हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. इज एम ऑडिबल एंड विजिबल, सभी का एक बार स्वागत है. जय हिंद एंड जय भारत. चलिए, आज एक नए एक्ट के साथ आया हूँ. जी हाँ, है तो सबसे पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक्ट है, बट मेरे लिए ये क्या है, न्यू एक्ट, क्योंकि मैं पहली बार इसको लेके आया हूँ यूट्यूब पे आपके लिए. हाँ, इसको हमने प्लस कोर्स में अच्छे से डील किया है स्टूडेंट्स के लिए, बट मुझे लगा कि क्यों ना रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि अभी दिल्ली मेंस में और अदर स्टेट जुडिशरी में एंड ऑल स्टेट एग्जाम में तो आता ही आता है, इसके अलावा बात करेंगे तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं सभी में आता है. सो रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो लिंक होता है वो CPC, साथ साथ दूसरे अदर एक्ट, TP हो गया, स्टाम्प एक्ट हो गया, इनसे भी जोड़ के आज हम पढ़ेंगे. और हाँ, इसकी लैंग्वेज टफ जरूर है, लेकिन आज उस लैंग्वेज को एक इजी लैंग्वेज बनाने के लिए मैं आया हूं. चलिए, तो सभी लोगों को मैं आई होप विजिबल हूं. ओके, तो स्टार्ट कर दिया जाए. एक बार थम्सअप कर दें कि सर क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए. तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की क्लास को आज स्टार्ट कर दिया जाता है. चलिए, तो आज थोड़ी सी क्लास अपनी लंबी रहने वाली है. हाँ, ये क्लास लंबी रहने वाली है. इन शॉर्ट बता दूं, इस क्लास में पूरा रजिस्ट्रेशन कवर कर लूंगा, लेकिन हर एक सेक्शन नहीं होगा, लेकिन जितने भी हैं लगभग, मतलब 70% पूरा का पूरा कवर कर दूंगा. 30% तो इजी हैं, वो आप ही कर लोगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. हाँ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. तो जहां तक आप सभी को दिख रहा होगा कि ये जो 1908 है, तो क्या मामला 1908 से स्टार्ट हुआ? अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले ये भी सभी सुन लेना, दिस इज नॉट ओनली फॉर प्री ओरिएंटेड क्लास. मेंस आंसर राइटिंग भी आपको इसमें मिलेगी, जो मेंस में भी कैसे आपको लिखना है वो भी थोड़ा बहुत कंटेंट लेके आया हूं. सो ओके जी, सभी का थम्सअप आ गया है. चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को. तो सबसे पहले देखो, जैसे स्टार्ट सेक्शन 1 सेक्शन 2, नो, पहले हम समझेंगे वॉट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या इतिहास रहा है. बात जब 1908 की चलेगी तो पहले, उससे पहले भी जाना पड़ेगा. ठीक है, चलिए. हाँ हाँ, मधुलिका जी कैसे हैं, हेलो टू ऑल ऑफ यू. अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में. चलिए, अब देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. क्या कहते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है. तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट कहां से हुआ, चलो देखते हैं. हाँ, सिर्फ 5 मिनट इसमें लेंगे, इससे ज्यादा अगर आप इतिहास में जा रहे हो तो बेवकूफी है, इसलिए 5 मिनट में फ्री करो. चलो, पहला पॉइंट, इनिशियली देयर वाज सेवरल एनैक्टमेंट्स. पहले रजिस्ट्रेशन के संबंध में, रजिस्ट्री जो करवाते हैं हम इमोबल प्रॉपर्टी की, उसके संबंध में बहुत सारे एक्ट थे. अरे बहुत सारे थे तो आदमी पागल होगा ही होगा. रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर क्या हुआ, तो चलिए सबसे पहले इन 1864, ठीक है, एक एक्ट था 1864 का. 1864 से इसकी शुरुआत हुई थी. ठीक है, अब 1864 की बात जब चलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज को, ये क्या कह रहा है, ये 1864 की बात को बता रहा है. ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है, कि फर्स्ट जो आपका है, फर्स्ट आपका कंप्लीट एनेक्टमेंट कब पास हुआ था, तो फर्स्ट कंप्लीट एनेक्टमेंट वॉज पास रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा कि, हाँ मधुलिका जी बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं आप, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए, करिए कि जरूरी है क्लास लेना, आ जाया करेंगे. आज रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आए हैं, कल कुछ और एक्ट लेके आएंगे, तो जैसे जैसे आप लोगों की आवश्यकताएं होंगी वैसे वैसे लेते हुए आएंगे. चलिए, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो इनिशियली क्या है, बहुत सारे एनेक्टमेंट थे, राइट, किसके पहले, 1864 के पहले की बात बोल रहा हूं, ये पहले बहुत सारे एनेक्टमेंट थे. फिर बारी आई 1864 को, इसने कहा अरे इतने सारे एनेक्टमेंट, एक करो, तो एक कंप्लीट एनेक्टमेंट वॉज पास्ड, वह कौन सा था, 1864 वाला. अब आगे की बात देखिए, इट कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स ऑल द प्रीवियस लॉस. इसने क्या किया, जितने भी एग्जिस्टिंग पहले के कानून थे सबको क्या कर दिया गया, कंसोलिडेट और अमेंड कर दिया गया. फिर बात बता देते हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई, पहला एक्ट कंप्लीट बना कि सारा का सारा रजिस्ट्रेशन इसी एक्ट में होगा. कंप्लीट एक्ट बनने के बाद इसमें यह भी इंट्रोड्यूस किया गया कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है,
रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल नहीं रखा है, उनकी कैटेगरी बनाई गई। फिर देखिए, फिर 1864 के बाद जब हम चले तो 1866 में पहुंचे, 1866। यहां पे राइट ऑफ एश्योरेंस दिया गया, जहां पे प्रोविजन वाज कंसोलिडेटेड एंड अमेंडेड, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। फिर उसके बाद वापस से अमेंडमेंट हुआ, कितनी बार, दो बार, 1871 में भी हुआ और 1877 में भी अमेंडमेंट हुआ। फिर पहुंचे सीधा 1908 में, यहां पे एक नया एक्ट बना, उस नए एक्ट का नाम क्या था, ध्यान से देखिएगा, एक नया एक्ट बना है, इस एक्ट का नाम है द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, क्लियर। हाँ, तो यहां पे क्या है, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो इस एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। तो लीजिए, आपका नया एक्ट जो था वहां तक मैंने आपको पहुंचा दिया। अब इसके आगे बढ़ने से पहले कुछ रिप्लाईज दे देता हूं। एनडीपीएस एक्ट ले लो सर, ठीक है, एनडीपीएस को तो बहुत अच्छे से लेंगे जी, एक तारीख से आई होप ले लूंगा इसको। एक यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, एनडीपीएस भी कराएंगे, बहुत जरूरी है सर क्लास लेना, ठीक है, लेंगे जी। अब कंपलसरी है आप सभी की तरफ से, थोड़े आर्स में इसमें आप डोनेट कर दूंगा। यूट्यूब पे मैं 8-10 घंटे की जगह 20 घंटे को मैं कवर करता हूं, ठीक है सर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सोगा कंप्लीट पढ़ा दीजिए, चलिए। हाँ, तो सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी ही तो बची है नीडा जी, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। एजेंसी सबसे इजी है, आराम से हो सकती है, ओके। चलिए, तो अब आगे स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग का कमेंट्स का रिप्लाई हो गया है, अब डेली बेस पे कुछ ना कुछ आपके लिए नया मैं लेके आता रहूँगा, डन। अब बात करते हैं आगे की। तो देखो, अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। पढ़ के कुछ अजीब लग रहा है, अरे ये इंडियन कहाँ से हो गया भाई, इंडियन तो पहले था, अब इंडियन कानून तो है बट वर्ड इंडियन ओमिट कर दिया गया। तो देखिएगा, द वर्ड इंडियन, भारतीय शब्द, इसको सब्सिक्वेंटली विद इफेक्ट फ्रॉम 26/12/1969, जो अपना डेट है 26 दिसंबर 1969 से, जो इंडियन वर्ड था उसे क्या कर दिया गया, उसे ओमिट कर दिया गया। नाउ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज इन फोर्स, मतलब आज इसका नया नाम क्या है, तो बेयर एक्ट जब भी आप देखेंगे, मेरे पास है नहीं वरना दिखा देता, तो उस पर आप देखिएगा लिखा रहेगा द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे की बात पढ़ने से पहले ध्यान से समझिएगा, रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है पहले उसको देखिएगा। इट मींस रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री कराने के लिए ले जा रहे हैं। अब रजिस्ट्री क्या होती है, जैसे प्रॉपर्टी आपके पास है उसको रजिस्ट्री और रजिस्ट्री ऑफिसर जो होता है, जहां रजिस्ट्री होती है वहां ले जाइए, वहां उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बुक्स हैं, वहां पे उसको चढ़वा दीजिए कि भैया ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप इसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफरर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को बेचा, तो ट्रांसफरी अपना हक बताने के लिए कि यस I am the owner of this property, no one can challenge me। तो इस चीज के लिए वो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जाता है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लेता है कि भैया ये मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, दैट्स इट। तो यही है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब आगे की बात चलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसके पूरे कंटेंट को रिकॉर्ड करना, और ये रिकॉर्ड कौन करेगा बता सकते हैं, यह करेगा रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसे रिकॉर्ड कौन करेगा, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। और यही रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ठीक है, इसकी भी वैकेंसी निकलती होगी, जैसे जजेस की निकलती है, ऑफिसर्स की निकलती है, एपीपी की निकलती है, रजिस्ट्रार की भी निकली, तो ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है हमारी, वह अपॉइंट करती रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्या करता है, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है। अब आगे की बात देखिएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट, अब जो अपना एक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये अप्लाई किस पे होता है, ओनली एंड ओनली डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होता है, ये कोई भी ट्रांजेक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। रोज खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, अरे उस पे थोड़ी रजिस्ट्री अप्लाई होगा। हाँ, आपने ये नॉर्मल प्रॉपर्टी परचेज की, इमोबल प्रॉपर्टी, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रांजेक्शंस का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो 8-10 ऑब्जेक्ट है, फटाफट देखिएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ
इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसके रजिस्ट्रेशन संबंधित है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। इट मेक्स ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल ही आपको ऑथेंटिसिटी क्रिएट करता है। अवॉइड लीगल कॉम्प्लायंसेस, बहुत सारी जो लीगल कॉम्प्लायंसेस है उनसे भी आपको मदद करता है बचने से। आपने रजिस्ट्री करा ली, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अब देखो, इट इज पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ भैया, पब्लिक रजिस्ट्रेशन है तभी तो इसे कहते हैं कि जिसने रजिस्ट्री करा ली ही विल गेट राइट इन रेम, मतलब राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड ये क्रिएट करता है भाई, कि मतलब अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो पूरे वर्ल्ड के खिलाफ मेरे पास राइट है, नो वन कैन चैलेंज मी कि ये प्रॉपर्टी इसकी है या नहीं है, 100% ठप्पा लग गया है। अब आगे की बात देखिए, इसके साथ इट गिव्स इंफॉर्मेशन टू पब्लिक, ये इंफॉर्मेशन देता है पब्लिक को रिगार्डिंग लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कि भाई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आके लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं। ये फ्रॉड को भी प्रिवेंट करता है, ट्रांसफरी टू गेट ऑनरशिप राइट, ट्रांसफरी को इसमें ऑनरशिप राइट मिल जाता है। फिर देखिएगा, अब बताइए ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का है, तो इसको अप्लाई कौन करवाता है? तो एक आएगा आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है? दिस एनेक्टमेंट इज एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट इंडिया। यह जो एक्ट है वह किस पे एप्लीकेबल होगा? इंडिपेंडेंट इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, हमारे प्यारे भारत पर। कैसे होगा? बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी की जिम्मेदारी है, अगर आपने 372 नहीं पढ़ा है आर्टिकल, आज जाके पढ़िएगा, आपको जरूर कनेक्शन मिलेगा क्यों मैंने यहां लिखा है। आगे की बात चलिए, ये तो हमारा भाई इतिहास था, क्यों पढ़ना है, क्या करना है, एक प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करानी है, अपने नाम पे करानी है, दीज आर द थिंग्स। बट द प्रॉब्लम इज दैट आई एम आस्किंग व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो सबसे पहले अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, अब बेयर एक्ट में घुसते हैं। तो इंडेक्स की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे पार्ट वन, कुल मिला के कितने पार्ट है, तो सबसे पहले बता दूं दे आर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 15 तो पार्ट्स हैं। और सेक्शंस की बात करेंगे तो 93 सेक्शंस हैं, जिनमें से दो तो क्या हो गए हैं, रिपील्ड भी हो गए हैं। अब बात आगे की कर लेते हैं। हाँ, पहला पॉइंट क्या है? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी सेक्शंस जो होते हैं वह सेक्शन 1 से लेके 2 तक को डील करता है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट 3 से 16 ए तक। तो सुनना, ये जो कैटेगरी है ये अधिकतर लोग इसको स्किप कर जाते हैं, पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बट इसे पढ़ना चाहिए। अब आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता, रजिस्ट्रार कौन है, सब रजिस्ट्रार कौन है, इसके बाद आपको ये नहीं पता आईजी कौन है, सीधा रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच गए ऑफिस में, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको बैठेगा नहीं, इसलिए मैं इस कैटेगरी को आज और अच्छे से डील करूंगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स के रेस्पेक्ट में किस टाइम पे उसे प्रेजेंट किया जाए, प्लेस किस प्लेस पे रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अब हम अपना डॉक्यूमेंट ले जाके प्रेजेंट कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार साहब प्लीज रजिस्टर इट। आगे की बात देखिएगा, एनफोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट्स एंड विटनेस, देन प्रेजेंटिंग विल्स, विल्स के रेस्पेक्ट में भी कानून बने हुए हैं, डिपॉजिट ऑफ विल्स, देखिए ये दोनों ही आपस में विल से संबंधित है। अब बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, राइट, रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, कंपल्सरी है, एक ऑप्शनल है, बाद में देखेंगे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा, विच विल बी डेल्ट इन दिस। फिर बात करेंगे ड्यूटीज एंड पावर्स की, रेफ्यूजल टू रजिस्ट्रार की, एंड दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर, कि क्या रजिस्ट्रेशन है, पेनल्टीज क्या है, मिसलेनियस प्रोविजंस क्या है, इसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए, हाँ, हाँ पूरा तृप्ति जी, जो चीजें मैंने प्लस में कराई है सारी तो मैं यहां नहीं करा सकता, बट एक लेमैन अगर पढ़ लेगा तो उसके बाद आज की क्लास के बाद कुछ बचेगा नहीं, वो खुद भी वो एक्ट पढ़ सकता है। तो मेरा यही है कि लंबी क्लास है, आराम से पढ़िए और मजा लीजिए, ठीक है? हाँ ओके अनुति जी, देखते हैं, चलिए, हाँ इच्छा तो है, देखते हैं। अब आगे की बात करते हैं, पार्ट वन प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक क्या कहता है, सेक्शन वन इसमें सबसे पहले डील करेगा। देखिए धारा एक कहते हैं इसको, धारा एक। अब ये धारा एक क्या कहती है उसके बारे में देखिएगा, जैसा सभी जानते हैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, ठीक है, तीनों बात बोल दी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल अभी बताया, इंडियन वर्ड को मत बोलिएगा, तो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहां पे लागू होता है, पूरा भारत, इंडिया एक है हमारा। हाँ
ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। कमेंस्ड कब होता है? 1 जनवरी 1909 को कमेंस्ड होता है। पूरे पीडीएफ में दे दूंगा ई नोट्स आपको, पूरे एक्ट का ई नोट्स बना के 2 दिन के बाद दे दूंगा, निश्चित रहिएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। 1 जनवरी 1909 को ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर हुआ था, 1908 का एक्ट है, नया साल देखो हैप्पी न्यू ईयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो याद रख लो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के दिन हैप्पी न्यू ईयर हुआ था। फिर आगे देखिए, ये बना कब था? ये बना था 18 दिसंबर 1908 को। क्लियर, 18 दिसंबर को बना था, और कितने दिन बाद? दिसंबर कितने महीने का होता है? 31 दिसंबर तक का होता है। तो 18 से 31 दिसंबर के दिन गिन लो, उतने दिन बाद ये लागू हो गया था। अब देखिए, यहां पे मैंने बोला ये पूरे भारत पर तो लागू होता है, बट एक पॉइंट है, ये क्या पॉइंट कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, व्हाट आई एम सेइंग, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी एरिया को, डिस्ट्रिक्ट को, सब डिस्ट्रिक्ट को, या किसी भी ट्रैक्ट, किसी भी इंडिया के भूभाग पे ये कह सकता है, ये मना कर सकता है कि दिस एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, तो बिल्कुल अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो रोक सकता है इस एक्ट के एप्लीकेशन को। आगे की बात करें, आई होप सभी को यहां तक तो डन हो गया है। ये पॉइंट को विशेष कर ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है क्या? बिल्कुल, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी ट्रैक्ट, मतलब किसी भी जमीन के भूभाग, भारत के किसी भी भूभाग पर ये स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है भाई ये एक्ट हमारे एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट्स इट। ओके, हाँ बता दिया जाएगा, आप बता दिया जाएगा आपको विच टॉपिक यू हैव कवर्ड ऑन प्लस। ठीक है, तो आपको सारा एक्ट मिल जाएगा, प्रोफाइल जाके चेक करिए सर। ओके, आई एम बैक। ओके चलिए, हाँ तो मोने जी, मोनिका जी बैक हो गई है, सो सभी लोग एकदम सावधान रहिएगा, ये कह रहे आई एम बैक, देखते हैं क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़े, यहां तक का प्रावधान सभी को क्लियर है या नहीं बता दीजिए। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े थोड़ी स्पीड को मेंटेन करते हुए। हाँ पांडे जी, वेरी गुड इवनिंग, यस आगे चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सभी लोग। आइए अब देखो, सेक्शन 2 जो है आपका, वह बताता है परिभाषाएं। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषाएं। देखो सारा कंटेंट, मेरा ये मानना है अगर मैं बोल के ही पढ़ा दूंगा तो तुमको बाद में याद कैसे रहेगा, तो इसलिए मैं सारा कंटेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और समझना है। तो सारा कंटेंट में लेके आया हूं, देख रहे हो अभी आगे आपका आएगा, पूरा कंटेंट में लेके आया हूं, तो निश्चिंत रहिएगा पूरा पीडीएफ बस आपको पढ़ना है। क्लियर, हाथ पेन नहीं चलाना है, सिर्फ सुनना है और समझना है। चलिए ओके, हेमू जी के रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है नहीं, यहां पे जो रजिस्ट्रेशन होगा वह इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, राइट ओके। अब बात करते हैं एडिशन की। एक्चुअली देखो इनकी गलती नहीं है, हेमू जी की, हेमू जी गुजरात में इतने माइनर लॉस दे दिए हैं कि आदमी जो एक्ट देखता है कि गुजरात में आ रहा है, तो ये स्थिति हो गई गुजरात की। इतना इजी था पहले, अभी थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया गुजरात में कि नंबर ऑफ एक्ट्स आर देयर। कोई बात नहीं, इंडेक्स बेस पढ़ लो, डेप्थ में पढ़ लो, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल गुजरात में नहीं है, घर जाके आराम से दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो, या बस थोड़ा बहुत देख लो आगे आगे का, ताकि पता चल जाए रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बस दैट्स इट। आगे चलो, जिनके हैं वो पढ़ेंगे। एडिशन का मतलब होता है अभिवर्णन। अब क्या हो गया, अ पर्सन डिस्क्राइब बाय प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जैसे एक बात बताओ, अपन बोलते हैं ना कि जैसे कि मेरा नाम ये है, सन ऑफ ये है, निवासी ये है, और काम मेरा है वकील, राइट या फिर लिखते हैं कार्य मेरा ये है, पेशा मेरा ये है, ठीक है, तो इस तरह से भी नाम लिखे जाते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा चीजें जुड़ रही हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन, मतलब अभिवर्णन। अब ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कहना चाहता हूं। हाँ कहना ये चाहता हूं, अ पर्सन, अगर एक व्यक्ति को वर्णित किया गया है, डिस्क्राइब्ड किया गया है, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है जी, तो देखते हैं। हाँ अगर डिस्क्राइब किया गया प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहां वो रहता है, या फिर प्रोफेशन से, उसका पेशा ये है, उसका व्यापार ये है, रैंक ये है, टाइटल ये लगाता है, और अगर वो व्यक्ति प्योरली इंडियन है, ठीक है, हिंदुस्तानी भाई है अपना, इन केस ऑफ इंडियन, तो फादर्स नेम और मदर्स नेम को भी वो लगाएगा। तो ये सारी चीजें मिलके क्या हो जाती है, एडिशन में आती है।
अगला डेफिनेशन समझिएगा। चलिए अगले समझने से पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, आज की क्लास पूरी 1.5 घंटे चलने वाली है, आराम से बैठिएगा। अब देखिए प्राइस हाइक अप टू 20% प्राइस हाइक होने वाली है आपकी, जैसा कि ऐसा इसमें बताया जा रहा है। सो बी देयर, प्राइस हाइक होने से पहले आप बिल्कुल इसे अवेयर हैं, अगर किसी को भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है ही कैन यूज माई कोड विच इज अनूप 20। ओके, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो कि क्या है, अनूप 20। तो अनूप 20 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी कोर्स विच इज रिलेटेड टू जुडिशरी। एंड अब बात करते हैं यहां पे, देखिए फ्रॉम 24th May to 26th May, 6 मंथ के कोर्सेज है, 1 मंथ एक्स्ट्रा है, और 12 के साथ 2, 18 के साथ 3, 24 के साथ 4 मंथ्स, दीज आर द फैसिलिटीज। एंड बात करेंगे प्राइस हाइक का, तो प्लस आइकॉनिक आई मीन पहले 63,250 था, विच कैन बी 69,575। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर। स्पेशल क्लास के फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो अन अकेडमी आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स देती है, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोज फॉर लर्नर, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनी वेयर। ओके जी, किसी भी टाइम कहीं पे भी मोबाइल लो, पढ़ो, और क्या करना है। अब देखिए जुडिशरी आइकॉनिक लाइव, इसमें भी आपको मेंटरशिप लाइव मेंटरशिप आपको अवेलेबल रहेगा, मेन फोकस टेस्ट सीरीज रहेगा, ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस तो है ही है इसके अंदर, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अब बात करते हैं प्लस और आइकॉनिक की। प्लस के अंदर लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आर अवेलेबल। और बात करेंगे आइकॉनिक की, तो पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन भी रहेगी। If you want to, if you are planning for plus subscription, then you can use my code which is Anoop20. Anoop20 code use करके आप subscribe कर सकते हैं, you will get extra discount, right? Extra discount भी आपको मिल जाएगा, which is 10%. अब आगे की बात कर लेते हैं, 6, 12, 18 और 24 मंथ के courses हैं। और आइकॉनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 6, 12 और 24 मंथ के कोर्सेज हैं, यहाँ पे भी आप अनूप 20 कोड यूज कर सकते हैं। आगे की बात, अगर कोई भी कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है कि भाई ये मेरे दिमाग में खटक रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बक्स बाउंटी के माध्यम से आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा रिपोर्ट करने से पहले। चलिए ओके अनुति जी, हाँ अब देखिए कहानी वापस चालू करते हैं अपनी, जो कहानी पहले छोड़ी गई थी। देखिए बुक का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 का क्लॉज 2, बुक का मतलब होता है पुस्तक, इट इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ अ बुक। हाँ, अब बुक का मतलब क्या, किताब पढ़ने वाली, नहीं भाई, जो रजिस्ट्रार है अपने पास एक किताब रखता है, उस किताब के अंदर पूरा फॉर्मेट वगैरह सब रहता है। तो चलिए इट इंक्लूड्स अ पोर्शन ऑफ बुक एंड ऑल्सो एनी नंबर ऑफ शीट्स कनेक्टेड टुगेदर विद अ व्यू ऑफ फॉर्मिंग अ बुक और पोर्शन ऑफ अ बुक। तो कहने का मतलब जो कुछ भी रजिस्ट्रार के पास किताब है जिसके अंदर सारी चीजें हैं, सारे पेजेस को मिला के बुक में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं था वो। चलिए डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब पता ही है, हर आपके शहर में, सिटी में जिले विले तो है ही है। तो आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड की, हाँ इसको आप समझ लीजिएगा, ये कह रहा है डिस्ट्रिक्ट कोड में वो भी चीजें इंक्लूड होंगी जो मैंने 5 स्टेट्स आपको बताए थे, 5 स्टेट्स, कौन कौन से बताए थे, कोई बता सकते हैं 5 स्टेट? हाँ, बॉम्बे बताया था मैंने आपको, कैलकाटा बताया था, फिर और बता सकते हैं, हिमाचल प्रदेश भी बताया था। हाँ, सभी लोग कमेंट करें, जिसने कॉमर्शियल कोड एक्ट पढ़ा था उसको मैंने सब बताए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, जल्दी जल्दी बताएं, 5 नाम लिख के बताएं कमेंट में सभी। इनके पास क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्या कह रहा हूं? हाँ चलिए एक बता दीजिए आप सभी लोग, जब तक मैं लिख देता हूं, इन 5 स्टेट्स के पास क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ऑर्डिनरली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इनके पास अवेलेबल होता है, ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हिमाचल प्रदेश। हाँ, एक आप सभी लोग बताएं, इस कोई भी यहां पे बता सकता है, हाँ जल्दी से बताएं कि मतलब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके पास है, हाई कौन से हाई कोर्ट है? वेरी नाइस, बिल्कुल करिश्मा जी, वेरी गुड, वेरी गुड नीडा जी। चलिए तो लास्ट क्या आ गया, दिल्ली। तो इस तरह से पार्टिसिपेशन आपका चाहिए होगा मुझे, ठीक है, बस हो गया। तो ये 5 स्टेट्स ऐसी होती है, 5 मतलब हाई कोर्ट जो है ये यहाँ पे, इन हाई कोर्ट, अब दिल्ली को अब स्टेट नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसे नहीं, गुजरात नहीं भाई, हाँ 5 स्टेट्स मतलब 5 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं, ये 5 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है, ऑर्डिनरली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है ऐसे हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंक्लूड माना जाएगा, दैट्स इट,
ये कहना चाहता है। बस अब बता दो, पूरा एक्ट पढ़ लोगे इसका कोई रिलेवेंट ही प्रोविजन ही नहीं मिलेगा आपको, बस समझ लीजिए। अब एंडोर्समेंट और एंडोर्स का मतलब क्या होता है, प्रस्थांकन या प्रस्थांकित दी, मतलब आपने क्या किया, कोई भी राइटिंग में आपने कोई चीज लिख दी डॉक्यूमेंट पे, नंबर लिख दिया, दैट मीन्स यू आर नंबरिंग, यू आर राइटिंग ऑन अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, या आप कह सकते हैं एंडोर्स्ड। ठीक है, कोई भी स्लिप है, राइडर है, उस स्लिप के ऊपर आपने लिख दिया दो नंबर, अगली स्लिप पे लिख दिया तीन नंबर, दीज आर राइटिंग कॉल्ड एंडोर्समेंट। क्लियर, तो ये एंडोर्समेंट कहलाते हैं। आगे की बात करते हैं, और क्या कहना चाहता है ये 2.6 इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले बात करेंगे हम किसकी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, जिसे कहते हैं स्थावर संपत्ति। 2 clause 6 क्या कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी लैंड, लैंड इमूवेबल है ना भाई, कहीं उठा के ले जा सकते हो क्या, नहीं। बिल्डिंग हो गई, हेरिडिटरी अलाउंस हो गया, तीसरा के बाद चौथा कह रहा है कोई भी राइट, किसी भी रास्ते का, लाइट का, फेरीज का, फिशरीज का, ये सभी के राइट्स जो होते हैं, इन सभी को करने का अधिकार, वह भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। पांचवा कह रहा है एनी अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो कहां से आया है, लैंड से जुड़ा हुआ है। और लास्ट 6 कह रहा है परमानेंटली फास्टेंड, कोई भी चीज जो परमानेंटली जुड़ी हुई है उस चीज से, जो जुड़ा हुआ किससे है, जमीन से। ठीक है, तो वो उसके बारे, परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, भूबद्ध किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज भी इमोबल प्रॉपर्टी में आएगी। यहां पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ, ये कह रहा है, अब नोट देखिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इमोबल प्रॉपर्टी इज डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स और ग्रास, ना ही ग्रास को इंक्लूड करता है। ये तीन चीजें किसमें आती हैं बताइए आप सभी लोग, ये जो तीन चीजें मैंने बताई है आपको, ये तीनों चीजें किसमें आती है, हाँ सभी स्टूडेंट्स बताएं। ओके, हाँ ओके अनुति जी, मैं समझ गया वो बात, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो ग्रोविंग क्रॉप्स होता है, ग्रास होता है, ये टीम स्टैंडिंग खड़ी कास्ट हो गई, लकड़ी हो गई, स्टैंड टिम्बर, ये किस में आएगा। वेरी नाइस अनुति, दीज आर कवर्ड इन मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो मूवेबल में आएगा, इमूवेबल में कैसे आएगा, बच्चों वाली चीज थी। अब देखो, हाँ हमारा भारत महान फिर से आ गया है। ठीक है, हमारा भारत महान क्या कह रहा है, इंडिया का मतलब क्या होता है। देखिए मैं बड़ा ही निराश हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, रिसर्च में लगा हुआ था कि ऐसा क्यों किया गया। अभी भी जो अमेंडेड बेयर एक्ट्स आ रहे हैं उसमें भी यही चीज लिखी हुई है, ये एज इट इज। आई होप आप सभी के बेयर एक्ट में भी यही लिखा हुआ है, तो लेकिन आप समझिएगा इसके नीचे है ना एक लाइन में अब जोड़ रहा हूं, इसको आप पढ़ के पढ़िएगा। इंडिया का मतलब पहले था कि टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब उसको छोड़िए, यहां पे नाउ मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका यूनियन टेरिटरी था उस पे एप्लीकेबल है, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इस पे भी आपका एप्लीकेबल है। क्लियर, तो अब के ओके चलिए, तो यूनियन टेरिटरी जो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर उस पे भी एप्लीकेबल है, एंड हमारा जो लद्दाख है उस पे भी एक्ट एप्लीकेबल है, तो इंडिया का मतलब कुछ भी नहीं बचा, होल ऑफ इंडिया। राइट, इसको तो आपको सुधारना पड़ेगा, वरना इसके लिए तो लड़ाई करेंगे जी, कि इसको तो अब आप सुधारो, 6A को अमेंड करना पड़ेगा। चलिए, बाकी उन्होंने बोल दिया है कि इसका मतलब ये है, तो यहां पे भी हटाओ ना, अलग से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा देख के। लीज, लीज का मतलब होता पट्टे। अब लीज में क्या आएगा, लीज इंक्लूड्स काउंटर पार्ट, कोई भी उसका काउंटर पार्ट है, कबूलियत को पहले लीज के जो टाइप्स होते थे ना उसमें भी एक हिस्सा होता था कबूलियत, एंड अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और ऑक्यूपाई एन एग्रीमेंट टू लीज, ये सारा लीज में आता है। माइनर कौन है, ये माइनर कह रहा है पर्सनल, जिसने अपना अटेंड नहीं किया मेजोरिटी को, अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ, अब हिंदू लॉ की बात करेंगे, मुस्लिम लॉ की बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट बिल्कुल 31/10/2019, हाँ आप सही लिख रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, 100% सही है। ठीक है, हाँ अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो मेजोरिटी को नहीं प्राप्त कर पाया है वो कौन है, माइनर है, और माइनॉरिटी का एज क्या लिया जाएगा, 18 साल 21 साल, अरे अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉ, जिस पर्सनल लॉ में आप जा रहे हो वहां के हिसाब से आप लोगे। अब 2.9 की बात करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या नहीं आता है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती है, ठीक है। तो आता क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड ट्रीज, चूस एंड ट्रीज एंड अदर, ये सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, माइनर है तो माइनर का गार्जियन, माइनर है अगर वो बच्चा है तो उस बच्चे का गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर द कमिटी और अदर लीगल क्यूरेटर ऑफ लुनेटिक और इडियट, अगर वो इडियट है और अगर वो लुनेटिक है तो उसका गार्जियन। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इडियट कौन होता है, जो जन्म से पागल होता है, बहुत खतरनाक होता है, वो कभी सुधरता नहीं है, ठीक है। अब देखो लुनेटिक कौन होता है, हाँ सुबह को सही था, रात होते होते पागलपन का दौरा चालू हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसी तैसी कर देता है दूसरों की, खुद के अलावा, तो वो लुनेटिक होता है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में भी पूछा गया था, अगर कोई व्यक्ति लुनेटिक है, सुबह सुबह तो सही रहता है, शाम को पागलपन उसके अंदर रोज आ जाता है, तो अब सुबह के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, क्या वैलिड होगा, 100% वैलिड होगा, दैट इज द पॉइंट, बिल्कुल वो वैलिड होगा। तो ये बात है यहाँ पे, क्लियर सभी को, आई होप क्लियर होगी बातें। डन, आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं पार्ट टू की, रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट। देखिए काफी सेक्शंस को मैंने इस चार्ट के द्वारा ही कवर कर दिया गया है, ठीक है। हाँ हाँ, अनसाउंड माइंड, बिल्कुल। हाँ अब आगे की बात कर लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट और एस्टेब्लिश, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगा या फिर एस्टेब्लिश करेगा, तो सभी का आंसर स्टेट गवर्नमेंट ही है। इसलिए मैंने कहा किसी का भी अपॉइंटमेंट होना है तो भी स्टेट गवर्नमेंट करता है, कोई भी एस्टेब्लिश करना है तो भी आपको कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब बात को समझिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आईजी कहते हैं इसको, महानिरीक्षक, ठीक है। अगर कोई आईजी है तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, जो जिले उपजिले होते हैं वो भी कौन एस्टेब्लिश करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अब ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के ऑफिस होते हैं, जहां वो पान खा के बैठेंगे ना सुबह सुबह, वो भी कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट बना के देता है। इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज, ठीक है, कोई भी इंस्पेक्टर है जो सबोर्डिनेट होता है इन सबके, वह इंस्पेक्टर भी कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस चार्ट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। अब आप सभी को क्या करना है, आगे कंटेंट दे रहा हूं मैं, इस चार्ट के साथ कंटेंट दे रहा हूं, वो कंटेंट रटना नहीं है, इस चार्ट को बनाना है, ऊपर सिर्फ आपको सेक्शन लिखना है, इतना कर लेंगे। जैसे आईजी जो होता है ये कहां पे दिया गया है, सेक्शन 3 में दिया गया है, 4 कहां गया, 4 रिपील्ड हो गया है, 5 की बात करेंगे तो यहां आ जाएंगे, 6, 7, 8, क्लियर भाई, 5 में ये आ जाएगा, 6 में ये आ जाएगा, 7 में ये आ जाएगा, 8 में ये आ जाएगा। तो टोटल 8 सेक्शंस को एक चार्ट के द्वारा प्रॉपरली आपने समझ लिया, सब में योगदान इस भाई का है जो है हमारा राज्य सरकार। किसका योगदान है, राज्य सरकार, हिंदी में स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, राज्य सरकार। आगे बढ़े, अब देखो आगे बढ़ते हैं, तीसरा, अब सारे कंटेंट्स को एक एक वर्ड में मैं समझाऊंगा और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। सेक्शन 4 इसको क्या कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। ये आईजी होता है ना, सबसे ऊपर आईजी होता है, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के नीचे सब रजिस्ट्रार भी आते हैं, फिर उसके नीचे इंस्पेक्टर वगैरह सब आते हैं। ये पूरी हायरार्की समझ में आ गई क्या, तो आगे बढ़ता हूं, देख लीजिए साइड में लिख दिया है, क्लियर हो गया सभी को। सबसे ऊपर आईजी, और आईजी के ऊपर कौन होता है, आईजी के ऊपर हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट होंगे, और कौन होंगे जी, दैट्स इट, राज्य सरकार अपॉइंट करती है इस महानिरीक्षक को, क्लियर। आई होप सभी को परफेक्टली क्लियर हो गया, आगे बढ़े। एक डेढ़ घंटे में आ जाए, आपका खत्म हो जाएगा, ये जल्दी बोले। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो पूछे, वरना हम आगे स्पीडली अब बढ़ सकते हैं क्या। ओके, डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आईजी है आपका, आईजी के बाद हम कहां आए, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, या लिख देता हूं पूरा, सब रजिस्ट्रार,
फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, इंस्पेक्टर्स वगैरह आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीन में आईजी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। चार रिपील्ड है। सेक्शन पांच की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, वहां चार्ट में भी मैंने लिखा था, वो देख लिए। ये भी कौन, हाँ, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को कौन, स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। एवरी अल्टरेशन ऑफ सच लिमिट शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अगर आप जिले या उप जिले में कोई भी अल्टरेशन करते हैं तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देंगे। जो ऑफिशियल गैजेट में डेट लिखी होगी उस डेट से इसे इफेक्टिव माना जाएगा। क्लियर सभी को। आगे की बात करते हैं, रजिस्ट्रार्स एंड सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार कहते हैं, सब रजिस्ट्रार को उप रजिस्ट्रार कहते हैं। अब देखो इनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट सच पर्संस। आगे की बात करते हैं, राज्य सरकार। तो बताइए वो चार्ट आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, बिल्कुल यूजफुल है, ध्यान रखिएगा। अब सेवन सेक्शन की बात करते हैं, ऑफिसेज ऑफ रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार, उनको भी कौन एस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगा एवरी डिस्ट्रिक्ट में। मैं कंटेंट आपको रीड करने के लिए दे रहा हूं ताकि चार्ट से आप शॉर्ट में कंफ्यूज ना हो। आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चार्ट में नहीं मिलेगा, क्या है देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथोराइजेशन शैल एनेबल अ सब रजिस्ट्रार टू हियर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ। ठीक है, सब रजिस्ट्रार ने कोई ऑर्डर पास किया, कर दिया, चलिए उप रजिस्ट्रार साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, मैं उस ऑर्डर से खुश नहीं हूं कि यार सब रजिस्ट्रार साहब आपने गलत किया है, बहुत गलत किया मेरे साथ आपने, तो मैं क्या करूंगा, उसके खिलाफ अपील करूंगा, नहीं ये जिसने जो ये ऑर्डर दिया है सब रजिस्ट्रार, दिस इज नॉट फेयर। किसको करूंगा, रजिस्ट्रार को करूंगा। अरे भाई सब रजिस्ट्रार के खिलाफ कहां जाऊंगा, सब रजिस्ट्रार के खिलाफ रजिस्ट्रार के पास ही तो जाऊंगा। अब जब रजिस्ट्रार के पास जाऊंगा तो ये कह रहा है भाई कि कोई भी सब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर पास किया है तो वह ऑर्डर की अपील खुद ही नहीं सुनेगा। अगर मेरे से आप नाराज हो, मैं ही कहूंगा मेरे से नाराज हो, ठीक है मेरे से शिकायत कर लो, तो कुछ फायदा होगा क्या, कुछ फायदा नहीं होगा। तो उसी को ही बात देखते हुए कही जा रही है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथोराइजेशन शैल एनेबल अ सब रजिस्ट्रार टू हियर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय हिमसेल्फ। क्लियर, आगे चलते हैं, स्वयं के द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील नहीं सुनेगा। अब सेक्शन 8 की बात करते हैं, इंस्पेक्टर्स की। अब ये इंस्पेक्टर कौन होते हैं, रजिस्ट्री कार्यालयों के निरीक्षक, इंस्पेक्टर्स को निरीक्षक कहते हैं हम। स्टेट गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है। एवरी सच इंस्पेक्टर शैल बी सबोर्डिनेट टू द इंस्पेक्टर जनरल। जो आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, उनके ये सबोर्डिनेट होते हैं। सेक्शन 9 की बात करेंगे तो इसे रिपील्ड कर दिया गया है, भूल जाइएगा। सेक्शन 10 में आइए फटाफट, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। अब देखो यहां समझने की बात आई है, बात समझिएगा, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा लगाओगे तो मजा आएगा, ज्यादा लगाते ही मामला गड़बड़, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी चीज समझनी है। देखो सेक्शन 10 क्या कह रहा है, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। अब बताइए रजिस्ट्रार साहब खुद छुट्टी पे चले गए तो हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वह रजिस्ट्रार कौन से एरिया का है। समझो, देखो मैंने येलो येलो किया है, When any registrar other than, अब ये registrar कौन सा वाला है, other than the registrar of a district including a presidency town, ठीक है, तो वह registrar जो है वह उस district का नहीं है जहां presidency town आता है। क्लियर, तो याद रखिएगा यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं, ये भाई साहब आपके registrar हैं, ठीक है, ऐसे categorize कर लीजिएगा, एक category बनाइएगा कि यहां पे जनरल कैटेगरी यहां बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल कहीं के भी हो, ठीक है, अदर देन कहीं के भी हो, नॉर्मल अपने किसी भी जिले के रजिस्ट्रार हैं, बट इसने पहला बोल दिया कि अदर देन कौन से होने चाहिए, अदर देन डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसी टाउन, ठीक है, ये जो प्रेसिडेंसी टाउन वाले जिले हैं उनको छोड़कर। अब रजिस्ट्रार की बात करते हैं, व्हेन एनी रजिस्ट्रार, इसको भूल जाइए, अब यहां पे अप्लाई नहीं होगा ये मामला, इज एब्सेंट अदरवाइज देन ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट और व्हेन हिज ऑफिस इज टेम्पररली वेकेंट, एनी पर्सन हुम द इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ और इन डिफॉल्ट ऑफ सच अपॉइंटमेंट द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर बात, देखिए ध्यान सुनिएगा, ओके, हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, रजिस्ट्रार साहब हैं,
वो कहां पे अपॉइंट होंगे? अदर देन विच एरिया, अदर देन द एरिया विच इज इंक्लूडेड, विच इंक्लूड्स द, कौन सा एरिया था अभी बताया मैंने, प्रेसिडेंसी टाउन, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में, जिस जिले में प्रेसिडेंसी टाउन इंक्लूड हो रहा है उसमें रजिस्ट्रार का मैटर नहीं आएगा। पहला क्लॉज ये कह रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पे क्या नियम अप्लाई होगा? जो इंस्पेक्टर जनरल होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जो आपका इंस्पेक्टर जनरल होगा वह अपॉइंटमेंट करेगा किसी अन्य पर्सन का। अब क्यों कर रहा है? अरे रजिस्ट्रार साहब अभी एब्सेंट है, वैकेंसी चल रही है, तो उस सिचुएशन में इंस्पेक्टर जनरल क्या करेगा, अन्य पर्सन को अपॉइंटमेंट करेगा। लेकिन अगर इंस्पेक्टर जनरल ने डिफॉल्ट कर दिया अपॉइंटमेंट करने में, इफ ही फेल्स देन व्हाट, देन द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये प्री का क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो यहां पे जब अदर देन प्रेसिडेंसी टाउन होगा तो आईजी अगर अपॉइंटमेंट करने में फेल हो जाए तब क्या होगा, अगर आईजी अपॉइंटमेंट करने में फेल हो जाता है तो जो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज है वह अपॉइंट होगा एज अ रजिस्ट्रार। क्लियर है सभी को या नहीं है? तो दो अपॉइंटमेंट बता दिया, पहला तो जनरल रूल क्या है, आईजी अपॉइंटमेंट करेगा। रिपीट प्लीज, क्लियर नहीं हुआ सर? ओके लॉ स्टडी, देखते हैं। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, नहीं क्लियर हुआ वापस बता देता हूं। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूं, न्यू पेज कर लेते हैं। चलिए मैं ये कह रहा हूं, एक रजिस्ट्रार है, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, एक रजिस्ट्रार है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार अगर क्या है, एब्सेंट है, छुट्टी पे चला गया है, तो वहां पे नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रार क्या है, एब्सेंट है, अंग्रेजों के जमाने का है। अब रजिस्ट्रार एब्सेंट है, छुट्टी पे चला गया है, तो इसकी जगह कोई और व्यक्ति, अदर पर्सन तो अपॉइंट होगा, अपॉइंट होगा कि नहीं होगा? अरे इसका काम देखने के लिए अदर पर्सन अपॉइंट होगा। अपॉइंट कौन करेगा? बाय आईजी, इसको आईजी अपॉइंट करेगा। अब जो आईजी अपॉइंट करता है तब तो ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है अपॉइंटमेंट करने में तब कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपका है उसके जो जज साहब हैं वो बन जाएंगे रजिस्ट्रार, ठीक है। क्लियर? हाँ, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब रजिस्ट्रार आपका एब्सेंट है, अगर रजिस्ट्रार अब्सेंट है तो किसी अन्य पर्सन को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उस अन्य व्यक्ति को अपॉइंट कौन करेगा? हमारे आईजी साहब अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आईजी अपॉइंट करने में फेल हो गया तो उस जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जज साहब क्या बन जाएंगे? रजिस्ट्रार बन जाएंगे। यही बात लिखी है, देख लीजिए, ठीक है। एनी पर्सन होम द इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट, जिस व्यक्ति को इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करता है वो, या फिर द जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आगे की बात सुनिएगा, क्लॉज टू इसका क्या कह रहा है, व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन इज एब्सेंट। अगर एक रजिस्ट्रार है डिस्ट्रिक्ट का इंक्लूडिंग अ प्रेसिडेंसी टाउन, चाहे वो प्रेसिडेंसी टाउन पहले एक्सक्लूड कर रहा था, अब इंक्लूडिंग है प्रेसिडेंसी टाउन, अगर वो रजिस्ट्रार जो है वहां पे एब्सेंट हो जाता है तब क्या होगा? तब बोल रहा है एनी पर्सन हुम द आईजी अपॉइंट्स, या फिर आईजी फेल हो गया तो क्या करोगे? मान लो आईजी के दे दिया, इंस्पेक्टर जनरल जनरल रूल है आईजी अपॉइंट करेगा। अब आईजी अगर फेल हो गया या आईजी अपॉइंट नहीं किया तो, हाँ, तो आईजी अगर अपॉइंट करने फेल हो जाता है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट फिलअप करेगा उस वैकेंसी को, बस राज्य सरकार के ऊपर चला जाएगा, खाली थोड़ी ना रहेगा पोस्ट। तो राज्य सरकार कहेगी तुम किसी काम के नहीं रहे, चलो हटो यहां से सब, मैं अपॉइंट कर देता हूं एक रजिस्ट्रार, बस इतनी सी बात है। अब सेक्शन 11 की बात को देखिएगा, एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑन ड्यूटी इन हिज डिस्ट्रिक्ट। अब रजिस्ट्रार साहब की ड्यूटी थी, वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट हो गए हैं, ठीक है, अपने जिले में कर्तव्यारूढ़ होने के कारण रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति, देन ही मे अपॉइंट एनी सब रजिस्ट्रार और अदर पर्सन, बॉक्स में डालिए। तो भाई बताओ, अगर सब रजिस्ट्रार, माफ कीजिएगा, अगर रजिस्ट्रार छुट्टी पे जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई मैं छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, तो अब मेरी जगह मैं किसको अपॉइंटमेंट करूंगा रजिस्ट्रार की जगह? अरे भाई मैं जा रहा हूं तो मेरे नीचे वाले को कह दूंगा ना भाई तू मेरा काम देख लेना। तो वही चीज यहां पे है कि अगर रजिस्ट्रार छुट्टी पे जाता है तो उसकी जगह सब रजिस्ट्रार या कोई अन्य पर्सन क्या हो जाएगा, ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार को परफॉर्म करेगा, बस सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोल रहा है। अब देखिए अगला सेक्शन 12 क्या कह रहा है, एब्सेंस ऑफ सब रजिस्ट्रार और वैकेंसी इन हिज ऑफिस। अब लो भाई, सब रजिस्ट्रार एब्सेंट हो गया,
पहले रजिस्ट्रार एब्सेंट हुआ, अब सब रजिस्ट्रार एब्सेंट हो गया, तब क्या होगा? एवनी पर्सन होम द रजिस्ट्रार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ शैल बी सब रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार जिस व्यक्ति को कहेगा तू सब रजिस्ट्रार है, वो सब रजिस्ट्रार बन जाएगा जब तक वो एब्सेंट है या जब तक कि उसकी वैकेंसी फिल नहीं कर दी जाती है। तो सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो उसकी जगह को फिल कौन करेगा? ऑप्शन आएगा तो बताइए सभी लोग, अगर सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, नए पेज पे देख लीजिए, अगर आपका सब रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो उसकी जो पोस्ट है उसको फिल किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन आएगा स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा आएगा आईजी, तीसरा आएगा रजिस्ट्रार। सभी लोग बताएं फटाफट क्या आंसर रहेगा आपका, जल्दी बताएं क्या आंसर रहेगा आपका कि कौन फिल करेगा वैकेंसी? सब रजिस्ट्रार जब अब्सेंट है आपका तभी की बात है। फटाफट बताएं जी, आगे बढ़े फिर। अरे भाई सब रजिस्ट्रार अब्सेंट है तो राइट आंसर क्या होगा? मुझे लग रहा है कंफ्यूजन तो नहीं हो गया इसलिए मैं ही पूछ रहा हूं। नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ भाई, सभी लोग सही बोल रहे हैं। शिवम पांडे लगता है लेट आए हैं आप। पहला प्रायोरिटी रजिस्ट्रार की है, ठीक है, अगर आपका ऑफिस छोटा सा तो ऑफिस है रजिस्ट्रार का। अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार बैठे हैं, सब रजिस्ट्रार छुट्टी पे चला गया, सब रजिस्ट्रार के ऊपर कौन है? रजिस्ट्रार। वो कहेगा भाई दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करो, चलो ठीक है। तो सब रजिस्ट्रार की वैकेंसी अगर खाली है, इसकी पोस्ट जो है वो वैकेंट है, तो इस वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए आपका रजिस्ट्रार जो है वह लायबल है, वह भरेगा। देख लीजिए एक बार सभी लोग, क्लियर? थर्ड पॉइंट, बिल्कुल सभी लोग लगभग राइट है, 99% सभी लोग राइट है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन 13 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 13 क्या कह रहा है? रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12। अब ये कह रहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिपोर्ट देनी पड़ेगी? 10, 11, 12 हमने पढ़ा ना, ये अब छुट्टी पे है तो ये अपॉइंट होगा, कोई नया व्यक्ति आ रहा है, रजिस्ट्रार एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई, मान लीजिए वैकेंसी आईजी फिल करेगा, नहीं करता है तो इस जिले का जज रजिस्ट्रार बन जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये सारे काम जो हो रहे हैं इसकी रिपोर्ट जाती है कहां पे? राज्य सरकार के पास। वो भेजता कौन है? बाय द इंस्पेक्टर जनरल, महानिरीक्षक के द्वारा सारी की सारी रिपोर्ट, ये जो चीजें चल रही हैं सारी किसको भेजी जाती हैं? हमारे जो है कौन, स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट, माफ कीजिएगा, इंस्पेक्टर जनरल किसको रिपोर्ट भेजेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। आगे चले, यही सेक्शन 13 कह रहा है। अब देखिए सेक्शन 14 की बात पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल अनुति जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स, जितने भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर होते हैं उनको भी एस्टेब्लिश कौन करेगा? देखो घर बनाने की बात आई ना, कोर्ट बनाने की बात आई, फैसिलिटी देने की बात आई, जहां पे भी फैसिलिटी की बात आ गई, घर बनाना है, बंगला बनाना है, ऑफिसर्स के लिए कोई काम करना है, सारा राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो वापस से कौन जिम्मेदार है भाई? राज्य सरकार जिम्मेदार है, और कौन होगा? हाँ राज्य सरकार जिम्मेदार है बस, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। आगे की बात करते हैं। अब सेक्शन 15 क्या कह रहा है? सेल ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स, माफ कीजिएगा, सील ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स। अब जब आप रजिस्ट्रिंग ऑफिसर में जाओगे तो सील लगाएगा, तो सील जब भी वो लगाएगा तो सभी लोग याद रखिएगा कैसे सील लगाएगा, उस पर इंस्क्रिप्टेड रहेगा किस भाषा में? अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और अगर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है तो वह अदर लैंग्वेज होगा जो राज्य सरकार बोल दे, ठीक है। मान लीजिए मराठी में भी होना चाहिए तो आपकी राज्य सरकार कहेगी महाराष्ट्र में लिखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपका बताता है 15 सील ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स, तो दोनों लैंग्वेज में आपकी सील होनी चाहिए। अब सेक्शन 16 की बात कर लेते हैं, जो आपका रजिस्टर बुक है और फायर प्रूफ है। अब फायर प्रूफ क्या काम आएगा? तो समझिए, रजिस्टर बुक तो क्या होता है, उसमें सारा बुक में फॉर्मेट दिया होता है कि भाई ये फॉर्मेट है रजिस्टर करने का, आप रजिस्ट्री यहां पे कर दीजिए इस फॉर्मेट में, तो पूरे फॉर्मेट को रजिस्टर बुक्स कहते हैं, ठीक है, कि इस फॉर्मेट में बुक में रजिस्ट्री करनी है। और आपको ये भी बता देता हूं कि जितनी ये रजिस्टर बुक्स होती हैं इनको क्या किया जाता है, कॉन्जिक्यूटिवली, वापस लिख लीजिएगा, कॉन्जिक्यूटिवली सीरियल नंबर्ड भी इनको किया जाता है, ठीक है,
जैसे पेज नंबर है, पेज नंबर वगैरह सब कुछ इस पे लिखे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा रजिस्टर बुक होता है जिसमें इंडेक्स होते हैं, उसके पहले ही लिख देता है इस बुक में 500 पेजेस होंगे, इस पेज पे ये है, इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन होता है ताकि कोई फाड़े वाड़े नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, फायर प्रूफ क्या होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, देखो अब रजिस्ट्री आप कराने जा रहे हैं तो रजिस्ट्री आप कराएंगे तो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, तो इसलिए इन ऑफिसेज को क्या दिया जाता है, इन ऑफिसेज को फायर प्रूफ बॉक्सेस दी जाती हैं कि भाई अपना सामान यहाँ रखो, आग लग गई तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा अगर इसमें माल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन करता है, आपकी राज्य सरकार प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ, बिल्कुल, राज्य सरकार सारी फायर प्रूफ ये बॉक्सेस वगैरह प्रोवाइड करती है। अब बात करेंगे सेक्शन 16A की, तो सेक्शन 16A भी इसी के रेस्पेक्ट में कह रहा है कि कीपिंग ऑफ बुक्स इन कंप्यूटर फ्लॉपीज डिस्केट्स एटसेट्रा, मतलब आप अब जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है, व्हाट आई एम सेइंग, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है सारा आपका फिजिकल फॉर्म में तो है ही है, फ्लॉपीज के फॉर्म में, डिस्केट्स के फॉर्म में, कंप्यूटर फ्लॉपीज के मतलब ई फॉर्म में भी सारा का सारा रखा जाएगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आए। चलिए, आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, हमारे दो पार्ट आज क्लियर हो गए, पार्ट वन और पार्ट टू। अब देखिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो अब देखें कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी रजिस्टरेबल हैं, फिर देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट ऑप्शनल हैं, इनकी रजिस्ट्री जरूरी है। तो चलिए 5 मिनट, ये थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट है, बट अभी हम मैं ये चाहता हूं पहले मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता दूं, क्लियर, कि रजिस्ट्री कितनी कैसे होती है, कहां पे होती है, रजिस्ट्री नहीं किया तो अपील कहां कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनका ऑप्शन में भी काम चल जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं, प्लीज वेट अ मिनट। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर स्टार्ट करते हैं अपना 23, क्लियर। प्लीज वेट अ मिनट, आपके लिए वर्क कर रहा हूं। अब चलिए, हाँ सभी को विजिबल है तो हाँ सारी चीजें उनकी खुद की वेबसाइट्स वगैरह होती है, सब पे रखते हैं ये लोग, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेक्शन 23 की बात करते हैं, ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी थोड़ा स्किप किया है 17 से लेके 22 तक को, उसको बाद में कराऊंगा क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ में नहीं आएगी, तो ठीक है थोड़ा इसको देखिएगा, 23 से अपन चलेंगे 35 तक सब, फिर उसके बाद अगर वो मना कर देता तो अपील कहां करेंगे, सारे प्रावधान हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो चलते हैं, अब देखो आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो तो क्या आपने आज प्रॉपर्टी खरीदी, एक तारीख है 1 जनवरी को प्रॉपर्टी खरीदी है, तो क्या आप 1 साल बाद रजिस्ट्री कराओगे जाके, नहीं, आपको यहां पे भी टाइम पीरियड दिया गया है कि भाई रजिस्ट्री का भी एक टाइम पीरियड है। देखिए तो सेक्शन 23 टेल्स अबाउट टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण के लिए समय सीमा। तो सेक्शन 23 क्या बोल रहा है, सेक्शन 23 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डील्स विद द टाइम स्पेसिफाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देख लीजिए क्या मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, नहीं वो तो करता ही नहीं है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने टाइम में रजिस्टर्ड होगा वो बताता है सेक्शन 23। आगे की बात देखिएगा ध्यान से, हाँ सेक्शन 23 स्टेट्स लिमिटेशन पीरियड, यह आपको लिमिटेशन पीरियड की बात करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितने टाइम पीरियड में रजिस्टर हो जाना चाहिए, विद इन विच, अब ये बताता है विद इन विच द रजिस्ट्रेशन शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफरी। तो ये बता रहा है व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है बाय दीज फॉलोइंग वेज, चाहे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर मोर्गेज के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हो, मोर्गेज भी कहते हैं टी साइलेंट रहता है, लीज के द्वारा आप ट्रांसफर कर रहे हो पट्टे के द्वारा, या फिर गिफ्ट हो गया, या अदर कोई भी मोड है जो प्रेस्क्राइब्ड है, ये मोड कहां दिए गए हैं, आई होप टीपी आपने पढ़ा ही होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो वहां पे दिए गए इन मोड के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी और किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो देखिए सच ट्रांसफर इज टू बी रजिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरी विद इन 4 मंथ फ्रॉम द डेट, आगे ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम द डेट ऊपर कर देता हूं, मतलब आज आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, मैंने प्रॉपर्टी बेच दी किसी और को, तो अब अगला व्यक्ति ट्रांसफरी हुआ, अब ट्रांसफरी कितने टाइम पीरियड में डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री करवाएगा, उसके बाद देखो अलाउड नहीं होगा, जनरल टाइम पीरियड बता रहा हूं, तो वो है आपका 4 मंथ्स, क्या कह रहा हूं, 4 महीने के अंदर अंदर,
मान लीजिए मैं आज प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक 30 अप्रैल तक मेरे पास टाइम है, रजिस्ट्री रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास जाऊंगा कि साहब, सब रजिस्ट्रार साहब, मेरा इसकी रजिस्ट्री कर दीजिए। तो यहाँ पे है, सच ट्रांसफर इज टू बी रजिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरी विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ट्रांसफर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर हो गया सभी को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि रजिस्ट्री का, अगर रजिस्ट्री करवानी है तो कितने टाइम पीरियड में कराएंगे आप सभी लोग? लगभग आपके पास जो टाइम पीरियड रहेगा 4 महीना, 4 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। हाँ, चले आगे, बिल्कुल छोटा मोटा अमेंडमेंट हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट है सारा अमेंडमेंट बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, कुछ मैं चार्ट लेके आया हूं, ठीक है, कि यार अपन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ तो रहे हैं, उसका संबंध किससे किससे है, तो सभी को बताना चाहूंगा। पहला इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, दूसरा टीपी एक्ट 1882, और तीसरा हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है। क्या ये तीनों के तीनों एक्ट आपस में जुड़े हुए हैं? तो रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट का काम क्या है? ये कहता है भाई स्टाम्प ड्यूटी पे करो जो डॉक्यूमेंट है, और कितने दिन में पे करो? 3 महीने के अंदर। टीपी बताता है कैसे आप बेचोगे, मोड ऑफ ट्रांसफर जो अभी हमने देखा। रजिस्ट्रेशन एक्ट बोलता है कि 4 महीने के अंदर आपकी रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। मान लो आज प्रॉपर्टी बिकी है, जो खरीदार है उसे 4 महीने के अंदर जाके रजिस्ट्री करवानी है, ठीक है। तो ये 3 चीजें बोल रहा है। अब ये सारे के सारे किसके रेस्पेक्ट में है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अब देखिएगा, स्टाम्प ड्यूटी टू बी पेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज बिफोर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 3 महीने पहले कम से कम आप क्या करो, स्टाम्प ड्यूटी पे कर दीजिए रजिस्ट्रेशन से। आगे की बात करते हैं। अब देखिए 23 को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 25 को इसके साथ पढ़ना जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा 25 क्या कह रहा है। भाई 4 महीना मुझे मिला हुआ है, 4 महीने के अंदर आपको क्या करना है, रजिस्ट्री करवानी है। अब 4 महीना मेरे लिए कम पड़ गया भाई, कुछ कारण हो गया। क्या कारण थे? मैं डिले कर गया। डिले किस लिए कर गया रजिस्ट्री कराने में? डिले इन प्रेजेंटेशन किया है। किस वजह से किया है? पहला, ड्यू टू अर्जेंट नेसेसिटी, कोई अर्जेंट आवश्यकता आ गई, या फिर दूसरा अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, अपरिवर्जनीय दुर्घटना कोई घटित हो गई जिसकी वजह से क्या हो गई, देरी हो गई रजिस्ट्री में, 4 मंथ में नहीं करा पाया, तो क्या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है? तो आपका एक्ट कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल आप इस टाइम पीरियड को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं फर्दर 4 मंथ्स। Point to be noted, कितने दिन के लिए extend करा सकते हैं? It states that in the event of failure to get property registered in favor of transferee within the time limit stipulated in section 13, 23rd, that is 4 months from the date of transfer, then क्या हम इसे transfer, जो हमारा 4 महीने का time period है, क्या हम इसे extend कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आपका delay हुआ है इन 2 कारणों से, urgent necessity की वजह से या फिर unavoidable accident की वजह से, तो आपका 4 महीने का time period further 4 महीने के लिए और एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो सकता है। लिखा हुआ है देखिए, सब रजिस्ट्रार में अलाउ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 4 मंथ्स। क्लियर? तो कुल मिला के अगर ये डिले है, एक्सीडेंटली कुछ हुआ है, तो टोटल पीरियड कितना मिल गया? अब 8 महीना मिल गया है। क्लियर? अब आगे की बात, पहले का 4 और अभी का 4। अब देखो, एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन फीस, हाँ ये बात तो सही है कि आपको महीना तो मिल रहा है एक्स्ट्रा 4, बट पैसे भी देने पड़ेंगे। कितना? 10 टाइम्स। What I'm saying? 10 times. देखिए लिखा है, मैक्सिमम 10 times ऑफ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस। मान लो रजिस्ट्री फीस 50,000 थी, 50,000 का 10 गुना कितना हो गया? फटाफट लिखे, अगर मान लो रजिस्ट्री फीस 50,000 है, तो और आपने डिले कर दिया है, तो आप लोग कितना पैसा भरोगे? आपने भाई डिले कर दिया है तो अब आप कितना पैसा भरोगे, जल्दी से जल्दी बताएं। हाँ, सभी लोग जल्दी से बता दें। तो सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने गड़बड़ किया है ना भाई साहब, तो आपको इसका 10 गुना ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ेगी एज अ फाइन। तो कितना हो जाएगा? 50,000 into 10 times। तो ये क्या है? मैक्सिमम इतना,
अब रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो चाहे तो 5 गुना भी दे सकते हैं कि इसका 5 गुना पे करो, डबल पे करो, बट मैक्स टू मैक्स क्या कितना हो सकता है, 10 times हो सकता है, विच इज 5 lakh. क्लियर? दीज आर द पनिशमेंट गिवन इन दिस. ठीक है, हाँ, आपको किसने भेजा है मुझे सब पता चल रहा है. जिस व्यक्ति ने आपको भेजा है यहाँ पे कमेंट में, आई नो वेरी वेल. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल मीट सून एज पॉसिबल, नो डोंट वरी. चलिए अपन पढ़ते हैं. हाँ, मतलब एक एग्जाम्पल है हरवानी जी कि मैक्सिमम 10 times पनिशमेंट दिया जा सकता है, जो भी अमाउंट होगा उसका. लेकिन अधिकतर यही होता है, डबल पनिशमेंट दे देते हैं, डबल फाइन दे दो, 3 गुना दे दो, 5 गुना दे दो. मैक्सिमम बोल रहा हूं, 5 times पनिशमेंट आपको दिया जा सकता है. क्लियर? सेक्शन 23A की बात करते हैं. अब देखो, रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, क्लियर? क्या अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है तो उसका री रजिस्ट्रेशन वापस हो सकता है क्या? बिल्कुल, इट इज अलाउड. तो री रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या टाइटल डीड्स, दस्तावेज का पुनः रजिस्ट्रीकरण, इफ अ मिस्टेक और एरर हैज बीन मेड इन द गवर्नमेंट ऑफिशियल आर नॉन ट्रेसेबल. मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या कर दिया, हाँ, जीजीएस के लिए क्लास नहीं है, बिल्कुल ये जीजीएस के लिए नहीं है. हाँ, अब क्यों गुजरात में आपका आ नहीं रहा है माया जी, क्लियर है? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है प्रिया जी. ठीक है, मैक्सिमम 4 months और एक्सटेंशन आपको मिल सकता है. क्लियर? अब देखिए, अब क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट में, क्या कह रहा हूं, कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या फिर कोई भी एरर है, तो क्या इस डॉक्यूमेंट के एरर और मिस्टेक को करेक्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल, इस डॉक्यूमेंट और मिस्टेक को, एरर को करेक्ट किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कोई भी गलती करी है तो. ठीक है, अब देखिए कितने टाइम पीरियड में ये मिस्टेक और एरर को करेक्ट किया जा सकता है, विद इन 4 months ऑफ बीइंग अवेयर. जैसे ही आपको पता चला, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने गलती करी थी, भाई ये नाम लिखना है, जैसे उस नाम में मिस्टेक कर दी, अब उस एरर का पता चलते ही कितने टाइम पीरियड के दौरान, विद इन 4 months ऑफ बीइंग अवेयर अबाउट सच एरर इन द डॉक्यूमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट का मतलब टाइटल डीड. तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. क्लियर? हाँ, डन. ठीक है, बिल्कुल. कुछ लोग यहाँ पे भेजे जाते हैं कमेंट करने के लिए, कोई टेंशन नहीं है. आप जैसे हजारों को ऑफलाइन में झेल के पढ़ा के आ चुके हैं जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. फटाफट पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो कमेंट करने से पहले सोचें, आपको जिसने भेजा है उनके बारे में भी आप देखें कि कमेंट क्यों करवा रहे हैं वो, फिर आगे चलते हैं. चलिए, नो डाउट, आगे की बात करते हैं. अब देखो, इन द इवेंट ऑफ टाइपोग्राफिकल और अदर एरर, अगर कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर है, कोई भी अदर एरर है, ठीक है, हाँ, अब आगे की बात करते हैं. द ट्रांसफरी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट हिज टाइटल डीड रेक्टिफाइड. तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो ट्रांसफरी है इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट हिज टाइटल डीड रेक्टिफाइड एंड गेट इट बी रजिस्टर्ड. तो बिल्कुल, ये टाइपोग्राफिकल एरर को भी क्या किया जाएगा, रेक्टिफाइड किया जाएगा. बट द क्वेश्चन क्या है उसको सभी लोग जवाब देंगे. क्वेश्चन ये है कि अब यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं नए पेज पे, सभी लोग बताएंगे कोई टाइपोग्राफिकल एरर थी, उस एरर को मैंने रिकरेक्ट कर दिया, डन, करेक्शन मैंने कर दिया. अब सभी लोग बताएं कि कौन सी डेट को रजिस्ट्रेशन की डेट मानी जाएगी. मान लीजिए मैंने 1950 में रजिस्ट्रेशन कराया था, ठीक है, और मेरे को 2022 में पता चला, मैंने यहां पे करेक्शन करवा के वापस से रजिस्ट्रेशन करवाया, री रजिस्ट्रेशन. तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी डेट को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा. सभी लोग फटाफट बताएं. विच डेट विल बी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. हाँ, फटाफट आंसर दे दीजिए. या ये वाला माना जाएगा या ये वाला माना जाएगा, सभी लोग बताएं. तो लगभग सभी लोग गलत हैं जी, माफी चाहूंगा. देखिए, अगर 2022 में सिर्फ करेक्शन कराया है, उस बेस पे आप ये नहीं कह सकते हो कि रजिस्ट्रेशन की फ्रेश डेट लो भाई. हाँ, एग्जिस्टिंग डेट, इसका इफेक्ट क्या रहेगा, सभी लोग सुन लीजिए, इसका जो इफेक्ट रहेगा वह रहेगा रेट्रोस्पेक्टिव. क्या कह रहा हूं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसका रहने वाला है. मतलब जो बैक डेट का आपका इफेक्ट है वही रहेगा.
हाँ 2022 नहीं होगा, यही मैं बताना चाह रहा था। तो देख लीजिए यहां पे मैंने लिख के भी आपको दिया है, ट्रांसफर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गेट हिज टाइटल डीड रेक्टिफाइड एंड गेट इट बी रिरजिस्टर्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज द न्यू रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड इन द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन। जिस डेट को ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन हुआ था उस डेट को माना जाएगा। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके डन। अब आगे की बात कर लेते हैं। हाँ सभी लोग, अब आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर बताइए प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा? हाँ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन आप क्या मानेंगे? प्लीज वेट अ मिनट। हाँ अब सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है वह आपका कौन सा होगा, जिस जिले में आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ बिल्कुल एग्जिस्टिंग डेट रहेगा अनुति जी, डन। हाँ अब देखो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात, अब रजिस्ट्रेशन तो कराए हैं, पता चल गया रजिस्ट्रर साहब के पास जाएंगे, चार महीने में जाएंगे, फर्दर चार मंथ एक्सटेंड होगा, कोई गलती है जिस दिन पता चला उसके चार महीने के अंदर उसको रिकरेक्शन कराना है। आगे की बात, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा डॉक्यूमेंट का, तो सभी को बता देता हूं, जिस जिले में आपकी प्रॉपर्टी है, क्या बोल रहा हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, विद इन हूज सब डिस्ट्रिक्ट द होल और सम पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, तो जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएट है वह प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। मान लीजिए मैं जोधपुर रहता हूं, एक एग्जाम्पल से सभी लोग आंसर देंगे। हाँ न्यू पेज पे एग्जाम्पल है, मैं यहां पे जोधपुर में अभी रहता हूं, ठीक है, जोधपुर से आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोग कहां रहते हैं, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो है वह मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है, यहां पे आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो अब सभी लोग आंसर देंगे कि अगर ये जोधपुर से और यूपी के बीच में जो ट्रांजेक्शन है, रजिस्ट्री की बात हो रही है, इसकी रजिस्ट्री कहां पे होगी, सभी लोग बताएंगे इसकी रजिस्ट्री क्या मुंबई के सब रजिस्ट्रार के पास होगी या फिर जोधपुर वाले के सब रजिस्ट्रार के पास होगी या फिर यूपी के पास वाले के पास होगी, सभी लोग बताएं। हाँ जल्दी से बताएं, शैतान जी को आज किसी ने लड्डू खिला के भेजा है और उस पर्सन को मैं जानता हूं यार, टेंशन मत लो। तो ये समझ रहे हो, हजारों लोगों को पढ़ा के आए हैं यहाँ पे, सीधा ऑनलाइन में थोड़ी ना आ गए हैं औरों की तरह। आगे चलो। हाँ ओके ओके बिल्कुल, आनंद भवन तो भाई बहुत शानदार जगह है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% सभी लोग सही है। तो जो मुंबई होगा, मुंबई की प्रॉपर्टी को आपको क्या माना जाएगा, यहीं पे आपकी रजिस्ट्री होगी। बट क्वेश्चन अब चेंज कर रहा हूं, ये तो जनरल आंसर हो गया सभी का, माय क्वेश्चन इज दैट अगर जोधपुर से और यूपी के दोनों के लोगों ने अपनी कंसेंट कर ली कि भाई हम अपनी कंसेंट चाहते हैं, हम अपने दोनों एक ही बात पे क्या है, एग्री हैं, कंसेंट कर ले रहे हैं, एग्री हो रहे हैं कि हम दोनों ये चाहते हैं कि यूपी के स्टेट में ही हमारे जिला जो है वहां पे ही रजिस्ट्री हो, तो क्या यूपी में हो सकता है या फिर मुंबई में ही करना पड़ेगा? अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थैंक यू महेंद्र जी। ओके क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जोधपुर में हूं, यूपी वाला हूं दूसरा पर्सन, जोधपुर वाले ने यूपी वाले से एग्री कर लिया, कंसेंट कर लिया कि चलो मैं यूपी आके वहीं के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करा लेता हूं, दोनों एग्री हो गए, तो क्या वहां पे होगा, यूपी प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन बन सकता है या नहीं, या फिर मुंबई रहेगा? तो उस सिचुएशन में भी आप सभी को बता देता हूं, प्लेस ऑफ रजिस्ट्री तो मुंबई ही रहेगी, जहां पे प्रॉपर्टी है वहीं का रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा, दैट इज फाइनल। क्लियर हो गया सभी को? ये एग्जांपल इसलिए मैंने लिया था कि एक थंब रूल आप याद रख लीजिए, मेंस के लिए बता रहा हूं ये चीज, कि मेंस में अगर एग्जाम्पल देना है तो ऐसे एग्जाम्पल दीजिएगा। दूसरी चीज, अगर केस लॉ पूछ लिया जाता है तो उस केस लॉ में भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहां होगा, जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। आगे की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, पार्ट 6 आपका कहता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसे हम कहां पे प्रेजेंट करेंगे। हाँ जल्दी बताएं,
अगर हम प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कहां पे करें, तो उसके रेस्पेक्ट में प्रावधान आपको दिए गए हैं 32 से लेके 35 तक के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं पूरा बता रहा हूं, एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया रजिस्ट्रेशन 4 महीने वाला, अब ये प्रश्न जो बता रहा हूं ये आपके मेंस में तो आता ही आता है, प्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये पूछ रहा है कि प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, एक डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहां प्रेजेंट किया जाए, सेक्शन 32 पर्सन टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो कौन सा व्यक्ति है जो प्रेजेंट करेगा। अब बात बताओ 32 क्या बोल रहा है, मुझे अगर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है तो मैं ही प्रेजेंट करूंगा, तो हु मे प्रेजेंट, तो सेक्शन 32 का मतलब क्या हो गया, इट मींस पर्संस हु मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सा व्यक्ति है जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। तो चलिए देखते हैं, अब आप सभी को बता देता हूं, यहां पर देखिए हु मे अप्लाई, कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पिछला हु मे अप्लाई, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कौन करेगा जी, ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रांसफरी हिमसेल्फ, कौन अप्लाई करेगा, ट्रांसफरी हिमसेल्फ, खुद ट्रांसफरी अप्लाई करेगा। फिर आगे की बात कर लेते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एसआईनी ऑफ अ ट्रांसफरी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या एसआईनी, देखिए प्रॉपर्टी मेरे पास आई है, मैंने खरीदी है, तो मैं कौन हूं, ट्रांसफरी, तो मैं जाऊंगा खुद रजिस्ट्री कराने के लिए, अगर मैं नहीं जा पा रहा हूं तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएगा या एसआईनी जाएगा, या फिर तीसरा व्यक्ति कौन, मेरा जो ऑथराइज्ड एजेंट है वह रजिस्ट्री कराएगा। अब ऑथराइज्ड एजेंट की जब बात करेंगे तो रीड विथ 33 करेंगे, और इसको इसके पास क्या होती है, एजेंट के पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, तो हमारा एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जाके रजिस्ट्री करा सकता है। ओके आयुष्मान जी, हाँ आगे बढ़ते हैं, क्लियर, यहां तक परफेक्टली क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो ये एजेंट की बात थी इसको कनेक्ट करते हुए समझिएगा, बॉडीली इन्फॉर्मिटी, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एजेंट की जरूरत कब पड़ेगी, मान लीजिए ट्रांसफरी जो खुद है बिल्कुल वह बॉडीली इन्फॉर्म है, या जो प्रिंसिपल है वो जेल में है, ठीक है, अभी बेल नहीं मिला उसको, ठीक है, या फिर तीसरी चीज समझिएगा, इन सभी सिचुएशन में एजेंट आएगा। तीसरा क्या कह रहा है, पर्सन एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन कोर्ट, एक व्यक्ति है जिसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है पर्सनल अपीयरेंस से कोर्ट के अंदर, तो जैसे ही उसको एग्जेम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से, तो वह भी किसके अंदर आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, आई होप सभी को क्लियर है कि एजेंट के सिचुएशंस में कौन कौन आएंगे। पहला बॉडीली इन्फॉर्म हो गया तो एजेंट आएगा, प्रिंसिपल जेल में है, प्रिंसिपल एनआरआई है, प्रिंसिपल आउट ऑफ इंडिया है, या फिर पर्सनल अपीयरेंस को कोर्ट नहीं एग्जेम्प्ट कर दिया, तो इन सारे सिचुएशंस में, ये 5 सिचुएशंस में एजेंट क्या करेगा, उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, वो रजिस्ट्री करा सकता है। तो सभी लोग को बता देता हूं, हु मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, हाँ सभी लोग बताए हु मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, बता सकते हैं कोई, कौन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, इतने लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सन्नी जी, अब आपका यूपी जुडिशरी के लिए भी लेके आने वाला हूं, एक यूपी एपीओ का कराने दीजिए, फिर यूपी जुडिशरी का भी लेके आने वाला हूं, तो सभी लोग देख लें, ये मैटर है, यहां पे क्या होगा, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे की बात देखिएगा ध्यान से, अब क्वेश्चन है, वाइफ हु हैज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैन रजिस्ट्रेशन डन, हाँ एक व्यक्ति है उसकी जो पत्नी है क्या वो पति के बिहाफ पे रजिस्ट्री करा सकती है क्या, क्वेश्चन पढ़ के, जिनके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी, बिल्कुल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी पति के बिहाफ पे, तो क्या वह व्यक्ति रजिस्ट्री करवा सकता है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, फिर अपन नए टॉपिक पे चलते हैं, जल्दी से बताइए। यस हाँ, सभी का आंसर आना चाहिए कि वाइफ हुए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कैन गेट रजिस्ट्रेशन डन, क्या वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हाँ रुक, विजय गोवड़ा जी कह रहे हैं यस, प्रफुल्ल जी कह रहे हैं यस, ओके, एनीवन एल्स, भारती यादव यस, ओके, एडवोकेट राजेश बेनीवाल जी, बेनीवाल साहब कह रहे हैं नो, अच्छा करण दहिया जी कह रहे हैं यस सर शी कैन, ओ वाओ ग्रेट She can, okay? तृप्ति जी यस सर करवा सकती है,
अरे पत्नी है तो कुछ भी करा लेगी क्या, घर में करवा सकती है भाई, जो चीजें मनवाना है पति को मनवा लेगी, यहां सब कानूनी कार्रवाई चलती है। देखिए अभी बताया मैंने कि अगर कोई एजेंट है जिसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, ओनली स्पेशल, व्हाट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ओनली स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो कर सकती है। इसके पास क्या है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। अगर किसी के पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वह बिल्कुल नहीं कर सकती है वैशाली सोनी जी। तो यहां पे आंसर आएगा नो, बिकॉज शी हैज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। किसी को जब स्पेशल, अगर आपका रजिस्ट्री का मैटर है तो वहां स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होना चाहिए। एजेंट विद स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी को कहते हैं मुख्तारनामा, इज ड्यूली ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वही एजेंट कर सकता है रजिस्ट्री, नॉर्मल एजेंट भी नहीं, जिस एजेंट को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है। क्लियर, आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डन, आगे बढ़ते हैं। वर्ड को भी नोट करिए, स्पेशल है जनरल है, ऐसे क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 33 क्या कह रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी रिकॉग्निजेबल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 32। ये कह रहा है ओनली स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एसपीए होल्डर्स कैन बी ऑथराइज्ड बाय द प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 32। तो वही पुरानी बात को ही ये एक्सप्लेन कर रहा है 33 आपका, कि जिसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है वही रजिस्टर कर सकता है। आगे की बात देखिए, 33 तक हमने पढ़ लिया, एक सेक्शन रह गया था 32A, ये भी उसके साथ पढ़ा जाएगा। अब आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो आप सभी को सोचना है कंपलसरी एफिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ। अब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो क्या फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट वगैरह लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो बिल्कुल फोटोग्राफ्स भी एफिक्स होंगे और कंपलसरी वहां पे फिंगरप्रिंट भी लगेगा और जो फोटो होगा वह पोस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 34 कह रहा है हाँ अगर ये सारा मामला डन हो गया तो उसके बाद बारी आएगी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की। तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी किस रेस्पेक्ट में करेगा जी, वो ये इंक्वायरी करेगा कि सारी चीजें, क्या कह रहा हूं, सारी चीजें डन है या नहीं है, सारी चीजें परफेक्ट है या नहीं है, तो इसके बारे में पूछताछ करेगा, इंक्वायरी करेगा। अगर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया रजिस्टर कर देगा। लेकिन अब इंक्वायरी तो इसने कर ली, आगे के बाद इंक्वायरी यही करेगा कि सारे कानून के प्रावधान फॉलो हुए या नहीं हुए, सारी चीजें कॉम्प्लाइड हुई या नहीं हुई। आगे देखिए, अब सेक्शन 35 क्या कहेगा, प्रोसीजर ऑन एडमिशन एंड डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रेस्पेक्टिवली। तो अब उसके बाद प्रक्रिया आएगी कि भाई अगर एडमिशन हो रहा है या फिर डिनायल हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे अगर एडमिट कर ले रहे हैं तब तो रजिस्टर्ड कर देगा वो किसी भी सिचुएशन में, बट डिनायल हो रहा है किस बेस पे हो रहा है ध्यान से देखिएगा। डिनायल जो हो रहा है यहां देखिएगा, इफ एनी पर्सन बाय होम द डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इज डेड, जिस व्यक्ति के द्वारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराया जा रहा था वो डेड हो गया, मर गया, एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव assigned denies its execution, the registration officer shall refuse to register the document। अरे हुआ यू, मैंने प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हूँ आपको ट्रांसफर किया, मैं मर गया, मेरी जगह मेरी पत्नी आई, उसने कहा या मेरे घर वाले आए, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये रजिस्ट्रार साहब हमने तो प्रॉपर्टी हमारे हस्बैंड ने ट्रांसफर ही नहीं करी थी, ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो रजिस्ट्री और जहाँ हो रही है वहाँ पर अगर ये झमेला हो गया कि जो ट्रांसफरर है वही कह दे कि मैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं करी, नहीं हमारे यहाँ से हुआ ही नहीं कुछ भी, तब वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब कह देंगे चलो निकलो यहाँ से, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होगी। आगे देखिए, अगर व्यक्ति वहाँ पे जो आ रहा है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वह माइनर है, वह इडियट है या फिर वह लुनेटिक है, समझिएगा ध्यान से, कोई आया व्यक्ति माइनर था उसने कहा मेरी रजिस्ट्री कर दीजिए, ठीक है, हाँ रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, ट्रांसफरर का और ट्रांसफरी का, दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधिक जो होते हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत इजी है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इफ एनी पर्सन बाय होम द डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिनाइज इट्स एग्जीक्यूशन, उसने मना कर दिया एग्जीक्यूशन के लिए, इफ एनी सच पर्सन अपीयर्स टू बी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर टू बी माइनर एन इडियट और लुनेटिक पर्सन, तो इस सिचुएशन में भी क्या कर दिया जाएगा, रेफ्यूज कर सकता है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर कि भाई यहां से निकल मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा। चलिए अब रेफ्यूजल हो गया, ध्यान से पूरी कहानी को सुनिएगा, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ने बोल दिया भाई रजिस्ट्री अब नहीं होगी, चलिए तो अब मेरे को बताओ कि कौन सा पार्ट यहां पे अप्लाई होगा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो। तब ये कहता है सीधा पार्ट 12 में जाइए और पार्ट 12 में जाके जो आपका रेफ्यूजल हुआ है उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपील वगैरह कर सकते हैं।
क्लियर। तो अब एग्रीड व्यक्ति कौन से पार्ट में जाएगा, पार्ट नंबर 12। क्लियर। हाँ बिल्कुल, अब उसकी डेफिनेशन अलग तरह से दी गई है, आपको जरूर बताएंगे, बट अभी समझ के आप सभी लोग कि नॉर्मल क्या है। पार्ट 12 में बताया गया है कि अगर आप दुखी हैं, रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो आप अपील कर सकते हैं किस पार्ट में, बिल्कुल आप पार्ट 12 में अपील कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो पार्ट 12 क्या कहता है, भाग 12। ठीक है, भाग 12 ये कहता है कि सेक्शन 71 से 77 इतने प्रावधान लगेंगे, कि भाग 12 क्या कह रहा है, 71 से 77 के प्रावधान लगेंगे। रेफ्यूजल टू रजिस्टर, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति ने रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया है तो वहां पे क्या होगा, रीजन फॉर रेफ्यूजल टू रजिस्टर। तो पता लगाएंगे भाई ये रीजन क्या है, किस कारण की वजह से आपने इसको रजिस्टर करने के लिए मना कर दिया, तो उसका कारण लिखा है सेक्शन 71 में। ठीक है, क्लियर। तो उसका कारण कहां लिखा है, सेक्शन 71 में। अब बताओ क्या जो कारण बताएगा कि इस कारण से रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने मना किया है, इस वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, तो क्या उस कारण को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो बोल रहा है टू बी रिकॉर्डेड बाय सब रजिस्ट्रार इन हिज बुक नंबर 2। बिल्कुल, तो क्लियर बात हो गई। अगर सब रजिस्ट्रार ने बोल दिया भाई मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा, तो सब रजिस्ट्रार अपने कारण को लिखेगा, कहां पे कारण को लिखेगा, बिल्कुल बुक नंबर 2 में वह अपने कारण को लिखेगा। आगे की बात देखिएगा, एंडोर्स द वर्ड रजिस्ट्रेशन रेफ्यूज ऑन डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट है वहां पे लिखेगा रजिस्ट्रेशन रेफ्यूज। तो सभी लोग बताएंगे कि हां कहां पे ये वर्ड, ये जो स्टेटमेंट होता है रजिस्ट्रेशन रेफ्यूज का, ये लिखा जाता है कि रजिस्ट्रेशन रेफ्यूज ये कहां पे लिखा गया है, कौन से सेक्शन में दिया गया है, कोई है जो बता सकता है। एक सर्टिफिकेट भी हां, तो ये सिंपल सी बात है भाई, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर दिया गया, क्या कह रहा हूं, अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, चलिए आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो ये बात आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। क्या कह रहा हूं, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा, कहां पे, सेक्शन 60 में। क्लियर, ये याद रखिएगा, सेक्शन 60 में आपको दिया जाएगा। एक बार वापस लिख देता हूं थोड़ा साइड में, हाँ यहां पे देख लीजिए, तो आप सभी को सेक्शन 60 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 60 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, जो कि हम बाद में जाके पढ़ेंगे। अभी आपको इतना क्लियर हो गया कि अगर रजिस्ट्रार ने रेफ्यूज कर दिया रजिस्टर करने के लिए, तो वो रीजंस को रिकॉर्ड करेगा, भाई इस वजह से मैंने मना किया है, किस बुक में, अपने बुक नंबर 2 में। फिर उसके बाद एंडोर्स द वर्ड रजिस्ट्रेशन रेफ्यूज ऑन डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट है उस पर लिख देगा रजिस्ट्रेशन रेफ्यूज। आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा इसका एक एक्सेप्शन भी है, क्या एक्सेप्शन है, No need to record reasons if the property to which it relates not situated within his sub-district. देखो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस वजह से मना कर रहा है कि भाई जो तेरी प्रॉपर्टी है ना, ये जोधपुर की प्रॉपर्टी है, और तू आया मुंबई के रजिस्ट्रार के पास, तो भाग वहां पे, चल जोधपुर जा, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आप गलत ज्यूरिसडिक्शन में चले गए हो, तो रजिस्ट्रार बाउंड नहीं है, सब रजिस्ट्रार बाउंड नहीं है कि वो रीजंस को भी रिकॉर्ड करे। ठीक है, दैट इज पॉइंट। आगे बढ़े, तो नो नीड टू रिकॉर्ड रीजन इफ द प्रॉपर्टी टू विच इट रिलेट्स इज नॉट सिचुएट विद इन हिज सब डिस्ट्रिक्ट। आगे पढ़ते हैं। चलिए सेक्शन 72 क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 72 की अगर हम बात करेंगे, तो सभी लोग को बता देना चाहता हूं कि अगर सेक्शन 72 की बात करेंगे, अपील टू रजिस्ट्रेशन, अब मना हो गया, बुक में लिख दिया, रेफ्यूजल हो गया, अब क्या करें, तो अब सभी को यह समझना है चलिए हाँ, अब सभी को यह समझना है कि अपील टू रजिस्ट्रेशन, हाँ अपील कहाँ होगा रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 72 ऑन ग्राउंड अदर देन डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन, या फिर 73 लगेगा ऑन ग्राउंड ऑफ डिनाइल ऑफ एग्जीक्यूशन। इसको अभी छोड़ दीजिए, यहां पे आइए एक बार। अब देखो अपील टू रजिस्ट्रेशन, क्या अपील की जाएगी, बिल्कुल अपील की जा सकती है। एन अपील मे बी फाइल्ड बाय ट्रांसफरी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार, ठीक है, जो ट्रांसफरी है बेचारे को बोल दिया रजिस्टर नहीं करेंगे, वह बिल्कुल क्या करेगा, वह अपील करेगा किसके खिलाफ, सब रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील करेगा कि सब रजिस्ट्रार ने मेरा अपील, मेरा जो है रजिस्टर नहीं किया है। अब उसके लिए भी टाइम पीरियड है, कितने दिन में अपील करेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर,
जिस दिन उसने मना किया, रेफ्यूज किया कि भाई हाँ मैं ये जो है रजिस्टर, जो जिस दिन मना किया भाई अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, रजिस्ट्री नहीं होगी, जिस दिन डिनायल किया उसके 30 दिन के अंदर आप अपील करोगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सब रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील कहां जाएगी? सभी लोग बताएं, सब रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील कहां पे जाएगी, जल्दी बताएं। हाँ, इज देयर एनीवन जो बता सकता है सब रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील कहां पे जाएगी? हाँ, सभी लोग कमेंट छोड़े उनको, हाँ वो भटके हुए लोग हैं, उनको छोड़िए सभी को। तो अभी आप लोग को बताना है, उनको किसी ने गुमराह किया है, मुझे पता है वो किसने गुमराह किया है, सभी यहाँ पे भी जो बच्चे हैं सभी को पता है, लेकिन छोड़िए इन सब चीज़ों को। अब आप सभी लोग आगे बढ़ें तो मुझे ये बताएं, अगर सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया, सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया है, तो इसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है, कौन है? ओके सर, हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ अपील जो है वह रजिस्ट्रार के पास जाएगी। बिल्कुल भारती जी, वेरी नाइस, बिल्कुल हाँ सारिका जी, बिल्कुल राइट है। तो सब रजिस्ट्रार के खिलाफ अपील जाएगी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास जाएगी, बट कितने दिन में करनी है? 30 दिन के अंदर। तो ये आपका पॉइंट था। आगे देखिए, नो अपील शैल बी प्रोवाइडेड इफ रिजेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ, देखो अब ये बोल रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपको अपील, हाँ आपको अपील जो होगी, नो अपील शैल बी प्रोवाइडेड इफ रिजेक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ, अगर जो रिजेक्शन है वो दो ग्राउंड पे हो रहा है, अनड्यूली स्टाम्प्ड है आपका या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर आपने स्टाम्प ही नहीं करवाया, स्टाम्प के खिलाफ अपील करोगे क्या भाई? पहले अपने डॉक्यूमेंट को सुधारो, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है फिर क्या आप कर रहे हो? नहीं कर सकते हो। तो पहला, अगर आपका अनड्यूली स्टाम्प डॉक्यूमेंट है तो अपील नहीं कर सकते हो, या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है। व्हाट इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन? हाँ बिल्कुल तृप्ति जी, वेरी नाइस, हाँ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, उसका मतलब आपने क्या किया, एग्जांपल देखिए, लैक ऑफ सर्टेनिटी इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपकी सर्टेनिटी ही नहीं है कौन सा आपका प्रॉपर्टी बेच रहे हो, या फिर अमाउंट मेंशन नहीं है, या फिर नेम आपका प्रॉपर नहीं दिया गया है। तो ऐसे एग्जाम्पल हैं, अगर ऐसे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हैं तो आप लोग याद रखिएगा आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अपील कब नहीं कर सकते हैं? दो कारण, स्टाम्प की गलती है, स्टाम्प प्रॉपर लगवा किया, फिर दूसरा नाम में कोई दिक्कत है तो नाम में लिख गया। चले आगे, ओके अब देखिएगा, इफ रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड ही कैन ऑर्डर टू सब रजिस्ट्रार दैट द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड, अगर आपका रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है देन दैट रजिस्ट्रार कैन ऑर्डर द सब रजिस्ट्रार दैट द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड, सब रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर इट। अब रजिस्ट्रार साहब ने पूरा देखा, पता किया कि यार इसमें तो कोई ज्यादा गलती है नहीं, सब कुछ तो परफेक्ट है, तो ऑर्डर देगा रजिस्ट्रार कि सब रजिस्ट्रार जाइए इसको डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाइए। बिल्कुल, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहां पे सब रजिस्ट्रार ऑर्डर किसको देगा, माफ कीजिएगा, रजिस्ट्रार किसको ऑर्डर देगा? सब रजिस्ट्रार को, कि भाई यू शुड रजिस्टर दिस डॉक्यूमेंट। क्लियर, तो यह मामला है पूरा। अब देखिए सेक्शन 73 क्या कहता है, सब रजिस्ट्रार रेफ्यूज टू रजिस्टर, कब सब रजिस्ट्रार रेफ्यूज करेगा? तो देखिए, ऑन ग्राउंड ऑफ डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन अप्लाई टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। तो यही बात आपकी कहां लिखी गई है, 73 में। क्लियर हो गया, तो ये मामला था पूरा अपील का, कि 73 से जनरल अपील का प्रावधान बताया हूं जितना पॉसिबल हो सकता है अभी यूट्यूब की क्लास में। तो जनरल क्या था, मैं रेफ्यूज किया, रेफ्यूज करने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं सब रजिस्ट्रार को कहूंगा भाई क्यों रेफ्यूज कर रहे हो, सब रजिस्ट्रार कहेगा मैं कारण दे रहा हूं ना, लिखेगा बुक नंबर 2 में लिखेगा। फिर अगर हम अगर उस सब रजिस्ट्रार ने कारण लिख दिया, फिर उसके खिलाफ हम अपील करेंगे, कहां पे अपील करेंगे, कहां पे अपील करेंगे, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास अपील कितने दिन में करेंगे, मिनिमम 30 डेज, विद इन 30 डेज के अंदर हम अपील करेंगे, दैट्स इट। ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे की बात देखिएगा, हाँ एक टॉपिक आपका और रह गया है, प्लीज उसको भी देख लीजिएगा लगे हाँ, ताकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने छोड़ा हुआ था ये यहां पे देखो, मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए ये, अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट आपके कोर्स में है तो आई होप वहां से क्वेश्चन आपका आना 200% चांसेस हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब देखिए 10 मिनट का लेक्चर है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले सुन लीजिएगा, एक पॉइंट बता देता हूं सभी को, कि जो डॉक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन आपका होता है वह भी कैसे होता है, दो तरह का होता है,
एक तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो दो प्रकार से होगा। एक तो कौन सा होगा, एक कंपल्सरी होगा कि आपको उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। एक जो आपका होगा वह होगा ऑप्शनल। हाँ, थैंक यू अनिति जी। एक जो आपका होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शनल। क्लियर हो गया। तो ये दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन है, जो दो तरह के डॉक्यूमेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे मेंस और प्री का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसको मैंने सबसे लास्ट में लिया है। देखिए, तो जो डॉक्यूमेंट है, अब ये डॉक्यूमेंट किसके होंगे, आप लोग भी जानते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के। अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी दस्तावेज है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसकी भी एक लिस्ट है, ऑप्शनल की भी एक लिस्ट है। तो चलिए दोनों लिस्टों को पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि मामला क्या है। क्लियर। तो पहला पॉइंट देखिए, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट आपका है कहां पे, पार्ट थर्ड में आपका आता है रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर देखिएगा, डॉक्यूमेंट फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, कौन बताता है, सेक्शन 17 का क्लॉज 1, उसके अंदर पॉइंट्स है, वो आपको बताएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखो ये कहां पे आएगा, ये मेंस में तो आपको बता दूं दिल्ली आता है, जो दिल्ली का एग्जाम हुआ था ना मेंस का, वहां तो वो फेवरेट क्वेश्चन है। अब हरियाणा में भी यहां से पूछ लेते हैं, अब देखो अदर स्टेट में प्री में पूछ लेते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो एकदम आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, 10 मिनट और लगेंगे, बट एकदम यहां फिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट जिसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पहला कौन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी स्थावर संपत्ति की दान की लिखत है, 17 का 1 का ए, ये क्या कह रहा है, कोई भी आप गिफ्ट कर रहे हैं, अब गिफ्ट कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल 100%। फिर दूसरा देखिए 17 का 1 बी, यहां पे सेक्शंस लास्ट में दिए हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पे ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अन्य निर्वसेती लिखत, मतलब जिसमें वसीयत नहीं होता है, ठीक है, तो वसीयत के अलावा वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो विल, विल किस में जाएगा, अब ये कह रहा है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, तो टेस्टामेंट्री कहां जाएगा वो बताइए, टेस्टामेंट्री कहां जाएगा, देखो अगर नॉन टेस्टामेंट्री की बात हो रही है तो वो कंपल्सरी है भाई, उसका रजिस्ट्रेशन कैसा है, कंपल्सरी है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर नॉन वर्ड हटा दो, ओनली टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जैसे विल हो गया, वसीयत हो गया, तो वो आपका जाएगा ऑप्शनल में, कहां पे जाएगा, ऑप्शनल, जिसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया है। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े। नहीं, देव सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन ओनली योर स्टडीज, राइट, हमें दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, काफी हो उनके लिए, ठीक है। हाँ, ऐसा अभी कोई तूफान है जो आया नहीं है, जो हमें हिला दे, चले आगे बढ़ते हैं, ओके। हाँ, अब आगे की बात करते हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, अन्य निर्वसिती लिखत, विच क्रिएट, अब देखो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात कर देता हूं, अब इसको एक एक वर्ड को समझना है, एक एक वर्ड को, कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है, पहला पॉइंट, क्रिएट कर रहा है, ठीक है, क्रिएट कर दे, डिक्लेयर करके क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कर दे, लिमिट कर रहा है किस चीज को, एक्सटिंग्यूज, खत्म कर रहा है किसको, एनी राइट, किसी भी राइट को, किसी भी टाइटल को या किसी भी इंटरेस्ट को, ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पे, तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, पहला पॉइंट क्लियर। हाँ, वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, 2-3 बार इसको रिपीट करूंगा, मुझे पता है। हाँ, अब देखिएगा, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए या उससे ज्यादा की है, ठीक है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है। फिर आगे की बात देखिएगा, जो क्या कर रहा है, कोई भी राइट को, कोई भी टाइटल को, कोई भी इंटरेस्ट को, या तो वो क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है, एजाइन करता है, लिमिट करता है, एक्सटिंग्यूश करता है, कुछ भी करे, मतलब राइट क्रिएट कर रहा है या राइट को डिक्लेयर कर रहा है, राइट को ही खत्म कर दे रहा है, कोई भी ऐसी चीज अगर यहां पे हो रही है,
और वो किसके रेस्पेक्ट में? इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा? 100% इट शुड बी रजिस्टर्ड। ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ, आगे बढ़े। ये पॉइंट क्लियर हो गया तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट केवल याद रखिएगा। ओके, हाँ, सभी लोग कमेंट छोड़ के अब यहां फोकस करें। देखिए, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अन्य निर्वस्ती लिखित क्या होता है? देखो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके रेस्पेक्ट में कोई भी राइट है, कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी हित है उसका, जिसे क्रिएट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, एजाइन कर रहे हो, लिमिट उसको कर दे रहे हो, या उसको एक्सटिंग्यूश पूरा ही खत्म कर दे रहे हो, तो ऐसा कोई भी राइट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है, मतलब ओवर 100 रुपीज है, तो वहां पे क्या होगा, उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो सभी को बता दूं, 100 रुपए क्यों रखा? क्योंकि ये चाहते हैं, लेजिस्लेचर वांट्स कि सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो। 100 के नीचे कुछ होता ही नहीं है, तो दे दिया 100 रुपए से ज्यादा है। कहने का मतलब, हमारा जो लेजिस्लेचर है वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि एक भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना रजिस्ट्रेशन के रह सके। क्लियर, तो इसलिए यहां पे लिखा गया है 100 रुपीज की बात। हाँ, 1908 में भी अगर जाए तो 100 रुपीज उस टाइम के लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू थी, लेकिन इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया, क्योंकि लेजिस्लेचर वांट्स कि भाई कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराओ। ठीक है, अब आगे की बात देखिएगा। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, वापस से नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है, विच एक्नॉलेज रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। अगर किसी भी नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के रेस्पेक्ट में कोई भी एक्नॉलेजमेंट है जो किसी भी रिसीट के बारे में है या किसी भी पेमेंट के बारे में है, तो उस एक्नॉलेजमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? बिल्कुल, वह भी कंपलसरी है अगर वह इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है तो। बिल्कुल, अगर वह एक्नॉलेजमेंट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, वापस से डिक्लेयर कर रहा है, या फिर एजाइन कर रहा है, लिमिट कर रहा है, एक्सटिंक्शन कर रहा है किसी भी राइट टाइटल या इंटरेस्ट का इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो बिल्कुल उसका भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। अब आगे देखिए, लीज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्थावर संपत्ति का पट्टा है, तो वहां पे भी उस लीज का भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। अब वहां ये क्या होता है, चाहे लीज ईयर टू ईयर होना चाहिए, एनुअल पे करना चाहिए, या फिर फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजाइडिंग अ ईयरली रेंट। अगला देखिए, तो लीज का भी कंपलसरी है, ईयर टू ईयर हो बस। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, अगला देखिए, ये क्या कर रहा है, ट्रांसफरिंग और एजाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और एनी अवार्ड। तो कोई भी डिक्री, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर या कोई भी अवार्ड है, क्या उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? तो बिल्कुल उसका भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्यूस एनी राइट टाइटल इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू रुपीज 100 और मोर। तो कहने का मतलब, अगर कोई भी डिक्री है या कोई भी ऑर्डर की बात आई है या भी कोई भी अवार्ड की बात आती है, और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू 100 या ज्यादा है, तो यहां पे वो भी कंपलसरी रजिस्टेबल होगा। फिर देखिए, एक लास्ट पॉइंट है, 17 का क्लॉज 3, अथॉरिटी टू अडॉप्ट अ सन इफ सच अथॉरिटी इज नॉट कन्फर्ड बाय अ विल, वसीयत से नहीं की गई है, तो यहां पे इस अथॉरिटी जो है अडॉप्ट करने का सन को, उसका भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक नया क्लॉज जुड़ा है 17 का 1A। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका 53A है, किसका, टीपी एक्ट का, जो पार्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है, किससे संबंधित है, टीपी एक्ट का जो आपका 53A है वह पार्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है। वो क्या कह रहा है, अगर 53A का कोई भी व्यवहार है, ट्रांजेक्शन है, तो वो डॉक्यूमेंट, उसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। हाँ, इफ एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर इंसेप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2001 शैल बी कंपलसरी रजिस्टर्ड। मतलब ये देखो, एक नया एक्ट आया था, इस नए एक्ट के आने के बाद 53A का भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो यहां पे क्या हो गया आपका 100% टीपी के अंदर, अगर 53A पार्ट परफॉर्मेंस किससे संबंधित है, ये पार्ट परफॉर्मेंस से संबंधित है। अगर पार्ट परफॉर्मेंस से संबंधित भी कोई टॉपिक है, उसका भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब देखो, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इसी सेक्शन 17 का ही ये पार्ट है, सेक्शन 17 के क्लॉज 2 के ही अंदर ये कह रहा है किनका रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन, कब आवश्यक नहीं होगा। तो कोई भी, ध्यान से ये लिस्ट आपको याद करके जानी एग्जाम में सभी को। पहला, अगर कंपोजिशन डीड है, समझौता विलेख है, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड।
इंस्ट्रूमेंट अगर शेयर्स का है, अंशों का है, अंशों से संबंधित अगर कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में है तो उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी डिबेंचर है, अब वो डिबेंचर को क्या कहते हैं, ऋण पत्र। क्या कहते हैं इस डिबेंचर को, ऋण पत्र, ठीक है, आई होप यही कहते होंगे, चेक कर लीजिएगा। नॉट क्रिएटिंग और डिक्लेयरिंग एनी राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वह भी क्या है जिसकी वैल्यू 100 रुपये उससे ज्यादा हो, उसका भी आप ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है, रिक्वायर्ड ही नहीं है, मत कराओ, ठीक है। या एनी डॉक्यूमेंट नॉट इटसेल्फ क्रिएट एनी राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू 100 रुपीज और मोर, या फिर एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सूट, तो उस ऑर्डर और डिक्री का भी नहीं कराएंगे, याद रखना वो सूट से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन है, रेवेन्यू ऑफिसर आया था, उसने पूरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन कर दिया, ठीक है, आपका पार्टीशन बंटवारा कर दिया, तो उस रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन दिया गया है वह भी रजिस्ट्रेबल नहीं होगा। आगे चलिए, एनी ऑर्डर ग्रांटिंग लोन, या फिर अब क्या कह रहा है, कोई भी ऑर्डर है जो क्या ग्रांट कर रहा है, लोन को, या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज, और वो इन एक्ट के अंदर ग्रांट कर रहा है, किन एक्ट के अंदर, पहला एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट, दूसरा चैरिटेबल एंडोमेंट और लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट के अंदर ये लोन को ग्रांट कर रहा है, या कोलेटरल सिक्योरिटीज के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहां पे इन एक्ट के अंदर अगर कोई चीज लोन ग्रांट की गई है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर एनी एंडोर्समेंट और मोर्गेज डीज एक्नोलेजिंग पेमेंट ऑफ मोर्गेज मनी, ठीक है, तो मॉर्गेज डीड के रेस्पेक्ट में कोई भी पेमेंट की बात आती है तो उसका भी नहीं होगा। सर्टिफिकेट ऑफ सेल अंडर पब्लिक ऑक्शन, एक पब्लिक ऑक्शन चल रहा है, वहां सर्टिफिकेट ऑफ सेल है, तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। चलिए लास्ट ये 18 की बात कर लेते हैं, हाँ 18 की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ऋण पत्र, ओके देव सर, हाँ बिल्कुल, हाँ देव सर तो महान है इस कॉमर्स के फील्ड में। चलिए 18 की बात कर लेते हैं, सेक्शन 18, डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। अभी मैंने बताया कौन से डॉक्यूमेंट का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अब मैं आप सभी को बता रहा हूं कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो रजिस्टर करा लो, आपकी इच्छा है तो मत कराओ, इट डिपेंड्स ऑन योर विश, बट आपको खतरा लग रहा है तो रजिस्टर करा के छोड़ो ना यार, तो ये बताता है डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। तो पहला पॉइंट देखो, जो 17 में हम पढ़ के आए हैं, क्या कह रहा हूं, सेक्शन 17 के अंदर जो हमने पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट कर लो, आंसर अपने आप मिल जाएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, जल्दी बताएं सभी लोग, सेक्शन 17 का उल्टा कर दो, हां जल्दी बताएं। तो यहां पे सेक्शन 17 की बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट या विल, अगर इंस्ट्रूमेंट जो है आपका अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट है या विल है, विच परपोर्ट्स और ऑपरेट्स टू क्रिएट, अब वो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो अदर देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट और विल की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, असाइन कर रहा है, लिमिट कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, चाहे प्रेजेंट में चाहे फ्यूचर में, किसी भी राइट को, किसी भी इंटरेस्ट को, चाहे वह इंटरेस्ट आपका वेस्टेड है चाहे वह कॉन्टिंजेंट है, कोई भी कैसा है सबको ले लिया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू अगर आपकी 100 रुपीज है, किससे 100 रुपीज है, किससे 100 रुपीज से कम है, बात को समझे, द वैल्यू विच इज लेस देन रुपीज 100, तो वह टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपने पहले पढ़ लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपया उससे ज्यादा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 100 रुपए से कम है तो ऑप्शनल में आ जाएगा और क्या। अब अगला चलो, इंस्ट्रूमेंट एक्नोलेजिंग द रिसीट और पेमेंट, अगर कोई भी ऐसा एक्नोलेजमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट है जो संबंधित है रिसीट से या फिर पेमेंट से ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ द क्रिएशन डिक्लेरेशन असाइनमेंट लिमिटेशन एक्सटेंशन ऑफ एनी राइट टाइटल, तो उस एक्नोलेजमेंट का भी ऑप्शनल है। अब ये देख लो, मैंने बात पहले बताई थी ईयर टू ईयर, जो लीज ईयर टू ईयर है उसका तो कंपल्सरी है, इसका तो कंपल्सरी है, बट ये कह रहा है एक साल या उससे कम का अगर लीज है तो क्या होगा, 8 महीने का लीज है, 6 महीने का लीज है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल। आगे चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां बात कर देता हूं ऑफ अ वैल्यू लेस देन 100 रुपीज टू और इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे कम हो, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसी भी
एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, तो सिंपल सी बात है, उसका भी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का तो रजिस्ट्रेशन यू भी नहीं होगा, समझ में, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी कराना चाहते हो, आपकी इच्छा है, करा लीजिए। हाँ, कोई भी विल है तो वहां पे भी आपका ऑप्शनल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है व्हेन सेक्शन 17 नॉट एप्लीकेबल, अगर आपका धारा 17 कंपल्सरी वाला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो सारे ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, राइट। अब 18A की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन टू बी अकम्पनीड बाय अ ट्रू कॉपी, ठीक है। अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, तो आप अपनी एक ट्रू कॉपी, ओरिजिनल कॉपी भी साथ लेके जाएंगे, ये भी आपका एक प्रावधान है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, चलिए आपको बता देता हूं, 19 से लेके 22 तक का कुल एक वन लाइनर बचा है, ठीक है। 19, 20, 21 तीन सेक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, जो डॉक्यूमेंट होते हैं लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, चलिए इनके खिलाफ अभी रिपोर्ट करते हैं, टेंशन मत लीजिए सभी लोग, ठीक है। यहां से ही रिपोर्ट नहीं करेंगे, इनके बहुत सारे इलाज कर दिए जाएंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आप लोग सिर्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, डन। चलिए, डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्ट्रिंग ऑफिसर्स, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इस भाषा में है कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर उसको समझ नहीं पा रहा है, तो भाई इस सिचुएशन में क्या होगा, उस रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ही शैल रेफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। अब मैं रजिस्ट्रिंग ऑफिसर हूँ, पता नहीं कौन सी भाषा में लेके आ गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये बोलूंगा भाई मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, मेरा पहली प्रायोरिटी यही है। अनलेस, आगे क्या कर, अनलेस इट इज accompanied बाय अ ट्रू ट्रांसलेशन इनटू अ लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड also बाय अ ट्रू कॉपी, इसका मतलब ये हो गया, अगर वह बाद में जाके क्या करता है, एक ट्रांसलेशन, उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन करके लेके आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, हाँ, आप उसके बाद अगर मान लो पहले लैंग्वेज गड़बड़ थी, अब वो सुधार के लेके आ गया, तब आप रजिस्टर कर दीजिए, अन्यथा आप उसको मना कर देंगे। आगे की बात देखिए, सेक्शन 20, फटाफट 2 मिनट ही बाकी है। डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटर एलाइनेशन ब्लैंक्स इरेजर्स एंड अल्टरेशंस, अब आप ऐसा डॉक्यूमेंट लाया 4 पन्ना खाली है, पलटते जा रहा बेचारा, तो आपको कहेगा भाई ये क्या कर दिया तूने, ले जा इसको, तो द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर मे इन हिज डिस्क्रिशन रेफ्यूज टू एक्सेप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एनी डॉक्यूमेंट इन विच इंटर एलाइनेशन बैंक इरेजर और अल्टरेशन अपीयर्स, तो बिल्कुल यहां पर रेफ्यूजल कर सकता है, ये भी एक पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 21 क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान्स, हाँ, अगर आपका कोई भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है, आपका मैप प्लान बताइए, मतलब आप समझते हैं ना, आप कोई भी आपने घर बनवाया होगा तो पूरा ढांचा उसका तैयार करवाते हैं आप, ठीक है। हाँ, कोई भी आपने मैप या स्ट्रक्चर बनवाया है तो उसका ढांचा तैयार करवाया होगा, तो उस ढांचे को भी लेके आ भाई, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए जैसे JDA हमारे जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी अपना स्ट्रक्चर देती है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है भाई इसको बना, तो ये सारे प्रावधान दिए गए हैं इसमें 21 में। अब लास्ट देख लीजिए 21A, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विदाउट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आई होप सभी लोगों ने NOC का तो नाम सुना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो ये जो NOC होती है ये कौन इश्यू करता है, डेप्यूटी कमिश्नर इश्यू करता है, क्या है, रिलेटिंग टू इमोबल प्रॉपर्टी शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अनलेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इश्यूज अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंटेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच इमोबल प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड, हाँ, अगर आपको NOC मिल गई तो आप राजा हैं, अगर NOC नहीं मिली तो मामला गड़बड़, आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं, दैट्स इट। तो ये था आपका आज का सेगमेंट, और लास्ट सेक्शन और एक देख लीजिएगा, 22 डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज एंड लैंड्स बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स एंड सर्वेज, तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट के मैप्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, सारे ऑफिसर्स क्या करते हैं उसी के हिसाब से ही चलते हैं, तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड। चलिए आज के लिए तो इतना ही था। हाँ, अब सभी से मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये था आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो अगला एक्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ सभी को वो भी बता देता हूँ कि अगला एक्ट यूपी पुलिस एक्ट, हाँ, NDPS भी लाएंगे, NDPS एक्ट भी लाएंगे, हाँ, जितने बेवड़े हैं, सुन लीजिए, जितने बेवड़े हैं, पागल हैं, जितने भी होते हैं ना जो चलाते हैं गाड़ी अनशन, ये सारे एक्ट की अब बारी आने वाली है, बट यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट के लिए भी रेडी रहिएगा, वो बहुत जरूरी है, और बैक टू बैक क्लासेस अब आपकी आएंगी, ज्यादा गैपिंग नहीं रखेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, सभी को बता देना चाहता हूं, कमेंट्स पे ध्यान मत दो,
अरे ये कुछ हैं, उड़ जाएंगे हवा में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं, सभी को जय हिंद एंड जय भारत। एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए जय हिंद एंड जय भारत। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।